गुड इवनिंग एवरीबॉडी. और टुडेज टॉपिक इज रेजिडेंशियल स्टेटस. क्या है ये रेजिडेंशियल स्टेटस? किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का हो सकता है. कुछ पर्सन्स हैं जिनका दो ही तरह का होता है और कुछ का तीन तरह का स्टेटस हो सकता है. ऐसा है जो इनकम टैक्स का होल कंसेप्ट है, ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका टैक्स इंसिडेंस फाइनल करता है. क्या इस इनकम पे आप पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. पर्सन कितनी तरह के होते हैं? सेक्शन 2 क्लोज 41 में 31 में आप पढ़ते थे, एक इंडिविजुअल HUF फर्म AOP कंपनी लोकल अथॉरिटी और AJP, जिसमें से इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा कैलकुलेशन वाइज अच्छा है, बाकियों का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना, सॉल्व करना कि वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है. वैसे ये स्टेटस इंडिविजुअल HUF का तीन तरह का हो सकता है, जिसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. इसे ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल सकते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. इसे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल सकते हैं और इसे नॉन रेजिडेंट. ऐसा स्टेटस तीन तरह के भी हो सकता है. HUF का स्टेटस और इंडिविजुअल का तो इन तीन तरह का हो सकता है. रेजिडेंट कौन सा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ऐसा है कि ये दिनों का हिसाब किताब है. आप कितने दिन इंडिया में स्पेंड करते हैं उस पे डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या है. ये वो लोग हैं रेजिडेंट जो इंडिया में सेटल है, इंडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये वो लोग हैं. जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इंडिया में सेटल हूं, इंडिया में बसा हुआ हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा इनकम पे टैक्स देना है. इवन इंटरनेशनल इनकम पे भी टैक्स देना है, फॉरेन की इनकम पे भी टैक्स मुझे देना पड़ेगा. जबकि नॉन रेजिडेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है. ये वो लोग हैं जो इंडिया में या तो बहुत आते ही नहीं या बहुत ही कम दिन इंडिया में आते हैं, इंडिया की फैसिलिटीज को एंजॉय नहीं करते हैं. इनकम टैक्स कहता है जब ये इंडिया में रहते ही नहीं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते ही नहीं, तो इन पे टैक्स सिर्फ कौन सी इनकम पे लगे? जो इन्होंने इंडिया में कमाई है. जो फॉरेन की इनकम है उस पे टैक्स ना लगे. ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो इनकम फॉरेन इनकम हो, फॉरेन इनकम दोनों. इस पे जो नॉन रेजिडेंट है टैक्सेबल इंडियन इनकम, इंडियन इनकम जो है टैक्सेबल इन इंडिया होगी. इसके इंडिया में जो कमा रहा है उस इनकम पे टैक्स इंडिया में लगेगा. फॉरेन इनकम इसके लिए क्या होगी? फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. इस बंदे के लिए फॉरेन की इनकम पे टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा. यानी कि ऐसा है, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की फैसिलिटीज एंजॉय करते हो, ज्यादा टाइम इंडिया में बिताते हो, तो इनकम टैक्स कहता है यू विल बी कंसिडर एज रेजिडेंट यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और तुम्हें फॉरेन की इंडिया की सब इनकम पे टैक्स देना है. मैं अपनी बात करूं, मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं फर्स्ट कैटेगरी में, मुझे इंडिया और फॉरेन की सब इनकम पे टैक्स देना है. लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है, मान लो अगर मैं बात करूं मिस्टर ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट, उनको तो सिर्फ उस इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा जो इंडिया में कमाई या इंडिया में मिली, यानी इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन इनकम पे नहीं. और ये जो बीच की कैटेगरी में एक बंदा है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट मींस ये लोग इससे कम और इससे ज्यादा दिन इंडिया में बिताते हैं. ऑर्डिनरी रेजिडेंट से कम और नॉन रेजिडेंट से ज्यादा, बीच की कैटेगरी. इनके ऊपर ऑल इंडियन इनकम तो टैक्सेबल सबके लिए है ही है, ऑल इंडियन इनकम टैक्सेबल है, ओके. लेकिन फॉरेन की सम फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो सकती हैं.
इसमें टॉपिक आएगा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन की इनकम एक ऐसे सोर्स से है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो फॉरेन पे भी टैक्स लग सकता है। इंडियन इनकम तो कोई भी हो, ओआर एनओआर एनआर टैक्सेबल है ही है। ऐसे कैसे छोड़ दें, तुम हमारे देश में इनकम रिसीव कर रहे हो या इंडिया में इनकम कमा रहे हो, टैक्स कैसे ना लगे, लगेगा चाहे तुम रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट, चाहे नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो फॉरेन की इनकम है वो इसके लिए माफ होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए, इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो सकती है, इसके लिए हमेशा टैक्सेबल होगी, इसके लिए कभी कभी। तो ये जो इनकम का इंसिडेंस है ये टॉपिक वास्ट है, इसको मैं अभी देखूंगा। ये जो बाकी पर्सन होते हैं ना, या तो ये ओआर होते हैं यानी कि आरओआर कह सकते हैं, या एनआर होते हैं नॉन रेजिडेंट, बस ये बीच की कैटेगरी एनओआर वाली इनकी नहीं होती। तो ये स्टेटस पहले मुझे देखना है, ये टैक्स फॉरेन इंडियन इनकम कैसे लगेगा, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वेदर अ पर्सन इज टू बी कंसीडर एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड होगा, टाइम कितना इंडिया में स्पेंड किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इंडिया में, एक इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिया में कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, उस बात पे अपना सारा टॉपिक है। ये पार्ट वन है हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या कहता है, पहले इंडिविजुअल के स्टेटस की बात करूंगा। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, राम श्याम ऐसे इंडिविजुअल, इसी का इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन 6(1) में पढ़ना शुरू करूंगा। दिनों का हिसाब किताब है, आप कितने दिन इंडिया में बिताते हैं उस पे डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या होगा। कुछ कंडीशन है, कुछ बेसिक और कुछ एडिशनल कंडीशन, कितना टाइम इंडिया में बिताया है उस पे डिपेंड करेंगी। तो इसमें मैं शुरू करता हूं बेसिक कंडीशन, कोई राम श्याम ए बी सी कोई भी। ये जो बेसिक कंडीशन है रिलेटेड टू करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर मींस जिसके लिए आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 को मैं करंट प्रीवियस ईयर का नाम दे रहा हूं क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 और 2021 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो बेसिक कंडीशन क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन कि एक बंदे का स्टेटस जानना है राम श्याम का या मुझे अपना जानना है तो आपको करंट प्रीवियस ईयर में देखना है 182 और मोर डेज स्पेंट इन इंडिया, इंडिया में रहा हो, इंडिया में 182 या उससे ज्यादा दिन रहा हो। कॉन्टिन्यूज रहना जरूरी नहीं होता, आने और जाने का दिन भी इंडिया में गिना जाता है। डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल मस्ट बी इंक्लूडेड इन इंडिया। कोई आदमी कम इंडिया में आया गया, वो दिन अगर 182 या उससे ज्यादा बन जाएंगे तो हम कह देंगे फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। जैसे मैं अपनी बात करूं, एक स्टूडेंट मेरे लिए कैलकुलेशन कर रहा है 182 और मोर 2021 में, तो पता लगा कोरोना का टाइम था, पूरा साल ही कहीं फॉरन जाना किसी का नहीं हुआ उन दिनों में खासकर। तो चलो मेरी बात करो तो मैं तो पूरा साल ही इंडिया में था, एक दिन भी फॉरेन में नहीं था 2021 में। तो मुझ पे लगाओगे फर्स्ट बेसिक कंडीशन लग जाएगी। तो वैसे ये देखना पड़ता है, मान लो मिस्टर राम लीव्स इंडिया, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया ऑन 1 जून 2020 एंड कम बैक टू इंडिया, ये वापिस लौट आए 25 जनवरी 2021 को, तो ये कब से कब तक इंडिया में है ये देख लेना होगा। चलो 25 नवंबर 2020 को लौट आई, तो आप देखो कब से कब तक इंडिया, इन इंडिया कितने दिन है इनके, इन इंडिया आने का दिन जाने का दिन इंडिया में, क्योंकि वैसे तो रूल कहता है या तो आपके पास टिकट है उस पे मेंशन हो कि कितने बजे आप इंडिया में अराइव कर रहे हैं, कितने बजे आपकी फ्लाइट डिपार्ट हो रही है, टाइम के हिसाब से देख लो कि इतने दिन और इतने घंटे, 24 आवर का एक दिन बना लो इक्विवेलेंट। पर इतना ब्रीफ रिकॉर्ड अगर किसी के पास ना हो तो पूरा का पूरा दिन इंडिया में आने का और इंडिया से जाने का मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन इंडिया, उसे इंडिया में माना जाए, इंडिया में बिताया है ये माना जाए। तो इसका देखो, अप्रैल के कितने दिन इंडिया में, 30, मई के कितने दिन इंडिया में, 31, जून का एक दिन भी इंडिया में, 1 तारीख को गए वो एक दिन भी इंडिया में,
सेकंड थर्ड फोर्थ ये इंडिया में नहीं है डैश 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 डैश। फिर कब आए? नवंबर में। नवंबर में 30 दिन होते हैं, 24 दिन आउट ऑफ इंडिया आए, आउट ऑफ इंडिया 24 दिन आउट ऑफ इंडिया। 25 से लेके आप ऐसे गिनोगे नवंबर के 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे गिन लो, या फिर ये नेगेटिव तरीके से गिन लो 30 का नवंबर होता है, 24 तारीख तक इंडिया में नहीं, 25 तो इंडिया में गिननी है, तो 6 दिन हो गए। दिसंबर के कितने हुए? 31। जनवरी के कितने हुए? 31। फरवरी 2021 कितने दिन की है? 28 दिन की। मार्च के कितने दिन है? 31। तो आप टोटल डेज देख लो कितने हैं इस पर्सन के इंडिया में, 30, 31, 1, 6, 31, 31, 28 और 31। 189 डेज इंडिया में हो गए। कॉन्टिन्यूसली रहना जरूरी नहीं होता, कभी आ गया कभी चला गया। टोटल डेज स्पेंट इन इंडिया देखो 189 हो गए, तो हम कह सकते हैं ही कैन सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और ये शर्तों का जाल कुछ ऐसा है, अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप शर्तों के जाल में फंस जाएंगे, मतलब आपका स्टेटस किस ओर बढ़ सकता है कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे ROR भी बोल सकते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR, उस तरफ बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो वो कौन ओआर एनओआर एनआर होगा वो तो कंडीशन जानने के बाद बताऊंगा, पर फिलहाल आप कंडीशन जानते चले जाओ। ये कंडीशन 182 डेज की समझ आई कि किसी ने करंट प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस साल इंडिया में कितने दिन स्पेंट किए हो, 182 और मोर डेज स्पेंट इन इंडिया। और लगा रहा हूं, ये लग जाए तो फर्स्ट बेसिक, लग जाए तो सेकंड देखनी नहीं। लेकिन अगर मान लो इफ 182 डेज नॉट स्पेंट इन इंडिया, इंडिया में किसी के 182 डेज नहीं हो रहे, तो भैया अभी नहीं बचेगा, एक कंडीशन और है, करंट प्रीवियस ईयर 2021 के लिए चेक कर रहे हो, यहां 60 और मोर डेज, यहां 60 और मोर, एंड है, ये दोनों बातें होनी चाहिए, 360 और मोर डेज, 360 इन 4 ईयर प्रसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर 2021 से पिछले 4 साल में कितने दिन बिताए हो इंडिया में, 365, दोनों होना चाहिए, 60 भी और 365 भी। 182 से बच गया तो यहां फंस सकता है एक आदमी 60 और 365 दिन में, यहां फंस गया तो ये कंडीशन लगा दो। देखो जो बंदा दोनों से बच गया, नो बेसिक सेटिस्फाइड, नो बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जिसकी कोई भी बेसिक ना हो, ठीक, वो पर्सन क्या होगा, एनआर, सबसे अच्छा खुशकिस्मत आदमी होगा। जो इस कंडीशन से बच गया वो खुशकिस्मत किस लिए है कि उसकी तो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगना है, जो इंडिया में कमाई या इंडिया में मिली, फॉरेन की इनकम पे बच जाएगा, वो खुशकिस्मत है, वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। जिसकी एनी वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, मैं ये कह रहा हूं कोई एक भी होगी, या तो 182 वाली या फिर कौन सी 60 प्लस 365 वाली, दोनों में से एक होगी, तो या तो वो ओआर है या वो क्या है, एनओआर, पक्का वो रेजिडेंट है, वो पक्का रेजिडेंट है, या तो आरओआर ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पर वो रेजिडेंट है, वो एनआर कभी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, या तो ओआर या फिर क्या, एनआर, समझे। और ये बचना हर कोई चाहेगा, दिनों के हिसाब किताब में ना फंसे। मान लो एक आदमी इंडिया आने वाला था, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मेरे को उसने फोन किया, कहता भाई साहब मैं इतने इतने दिन इंडिया में बीच बीच में आया साल में, अब मुझे दिनों का हिसाब किताब करके बता दो, मुझे 25 मार्च में इंडिया आना है, आऊं के ना आऊं, या लेट प्रोग्राम बनाऊं। उसने मुझे फरवरी में फ़ोन किया, टिकट बुक करवाने वाला था वो, तो मैंने हिसाब किताब किया तो देखा उसके 179 डेज ऑलरेडी इंडिया में थे, 179, 25 मार्च को आ जाता तो 31 मार्च तक उसके 7 दिन और हो जाते, 6 दिन 25 से अगर आप देखो 7 दिन, हाँ 7 दिन और हो जाते। तो मैंने उसको कहा भाई तू 179 डेज ऑलरेडी इंडिया में स्पेंड कर चुका है, अब तू फॉरन बैठ थोड़े दिन और, अप्रैल में आ जा इंडिया,
अगर तू 25 मार्च को आ गया तो 7 दिन और हो जाएंगे, तू ऑलरेडी 179 डेज बिता चुका है, तो तेरे 182 क्रॉस हो जाएंगे, तो तेरे लिए क्या है, मुसीबत बढ़ सकती है। या तो तू ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, यानी होगा रेजिडेंट, एनआर नहीं हो पाएगा। इसलिए तू बच जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन देख लेंगे तेरे पे लगे ना लगे, पर इससे तो बच तू, ये चीज है। तो वैसे अगर एक 182 से बच गया तो सेकंड में फंसा सकता है इनकम टैक्स उसको, 60 और 365 लग जाए तो। मान लो कि मैं एक बंदे का डेज चेक कर रहा था, कितने दिन, मुझे पता लगा कि करंट प्रीवियस ईयर 2021 में वो आदमी इंडिया में 150 दिन है, ठीक, यानी 182 से तो बच गया, लेकिन पीछे वाले 4 सालों में देखो, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 4 सालों में कितने दिन है, पता लगता है जी यहां 50, यहां 0, यहां पे 200 और यहां पे 100। 4 साल में कितने दिन हुए उसके, 350। 60 होने से क्या होता है, 60 प्लस 365 चाहिए, 60 तो हो गए, 365 हुए, नहीं, पहले तो देखो 182 हुए, 182 नहीं हुए, फिर सेकंड चेक की, यहां 60 और 4 साल में 365 नहीं हुए, बच गया, खुशकिस्मत आदमी है। फर्स्ट बेसिक हुई नहीं, सेकंड लगाई वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई, यहां 60 थे तो क्या हुआ, यहां भी तो 365 चाहिए, नहीं हुए, तो उस पे सेकंड बेसिक भी नहीं लगी, फर्स्ट बेसिक भी नहीं लगी, बड़ा खुश है, जश्न मना रहा है, क्यों, क्योंकि उस आदमी का स्टेटस इंडिया में क्या हो गया है, नॉन रेजिडेंट। और जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिली या इंडिया में कमाई वो इनकम टैक्सेबल होती है, और कोई इनकम फॉरेन वाली टैक्सेबल नहीं होती। अब थोड़ा क्वेश्चन बदल दूं, मैं कहता हूं कि यहां भी वो 100 दिन है पर यहां पे 50 दिन है, अब उल्टा कर दिया, मैंने कहा कि 365 के लिए, 365 तो 4 साल में हो गए, कितने हो गए, 400 साल में टोटल, कभी जीरो कभी कुछ, टोटल चाहिए, कंटिन्यूसली नहीं, टोटल चाहिए मुझे, 4 साल में कभी आया कभी गया कभी आया ही नहीं, कभी पूरा साल रुक गया, मुझे टोटल 4 साल का 365 तो हो गया, पर ये 60 नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां 60 नहीं, यहां 365 से कुछ नहीं होता, इसका मतलब उसने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। तो फर्स्ट 182 भी नहीं की, सेकंड भी नहीं की, तो इसका मतलब वो आदमी ने कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट का। और नॉन रेजिडेंट हो गया तो बड़ा खुशी की बात है, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, जो इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में अर्न की उस पे। तो चलो सेकंड बेसिक कंडीशन में फंस जाते हैं लोग कई, लेकिन इस सेकंड बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन, इसका मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट टू बी अप्लाइड, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। वो खुशकिस्मत लोग कौन से हैं जिन पे सेकंड बेसिक चेक ही नहीं करनी, 182 लगाओ, लगी तो वेल, ना लगी तो सेकंड, वी आर नॉट टू चेक इट, चेक ही नहीं करनी, बस 182 लगे तो बस ठीक है, ना लगे तो बंदे को नॉन रेजिडेंट कह दो बस। वो लोग कौन से हैं, इंडियन सिटीजन है कोई, इंडियन सिटीजन Who leaves India for employment purpose? जो इंडिया के बाहर किस लिए जा रहा है, स्टडी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टूरिज्म के लिए नहीं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, अगर ऐसा है तो तेरे को बख्शेंगे नहीं, सेकंड कंडीशन से बख्शेंगे उन लोगों को। पहली कंडीशन तो वो क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो, पहली बात, फॉरेन सिटीजन के लिए बेनिफिट नहीं। इंडिया के बाहर बेचारे क्यों जा रहे हैं, काम के लिए, चाहे वो नौकरी लगी है, यहाँ वहाँ पे होटल खोलना है, पंप लगाने, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे, घूमने फिरने के लिए या एजुकेशन के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा हो कि इन्होंने काम करना है या नौकरी करनी है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे हो। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, या इंडियन सिटीजन हु इज़ मेंबर ऑफ क्रू,
कैप्टन वगैरह है, मतलब कैप्टन वगैरह शिप का, ऑफ फॉरन गोइंग इंडियन शिप, इंडियन शिप कह लो या वेसल। ऐसे लोग हैं जो इंडिया के किसी शिप पे काम करते हैं, कैप्टन है या क्रू टीम का पार्ट है, वो इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हैं, शिप के साथ जा रहे हैं। कौन सा शिप है, फॉरेन गोइंग वेसल है, फॉरेन जाने वाला शिप है, पर शिप कौन सा है, इंडियन। नौकरी ऐसी है, कितने कितने दिन शिप के साथ चले जाते हैं वो लोग। तो वो लोग जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और वो शिप फॉरेन गोइंग शिप है, तो ऐसे केस में भी उन लोगों पे 60 और 365 की कंडीशन नहीं लगानी। उन पे कौन सी कंडीशन लगाओ, 182 लगे तो वेल, 182 ना लगे तो छोड़ो, सेकंड ट्राई नहीं करनी। ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं ये, जिन पे ये कंडीशन अपने को नहीं लगानी। क्यों जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, एम्प्लॉयमेंट। मान लो मिस्टर राकेश इंडिया में पैदा हुआ, शुरू से 365 जब से पैदा हुआ इंडिया रह रहा है, 365 जब से पैदा हुआ, 2020-21 में वो इंडिया में 200 दिन रहा और लीव इंडिया, उसके बाद इंडिया छोड़ दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, नौकरी के लिए। बड़े लोग आज भी हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, काम धंधा नहीं है, फॉरेन में अच्छा पे स्केल मिल जाता है, चले जाते हैं लोग कनाडा यूएस, बड़े जाते हैं नौकरी के लिए, जा रहा है ये राम नाम का आदमी है, जा रहा है। तो आप इस पे लगाओ, 182 ही लग गई भाई तेरे पे, 182 ही लग गई, सेकंड देखनी नहीं, तू तो फंस गया जाल में। ओआर या एनओआर है तू, आरओआर कह लो या ओआर कह लो, यानी तू रेजिडेंट है या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ये दोनों का फैसला कब होगा, आगे एडिशनल कंडीशंस को पढ़ के, एडिशनल कंडीशन के बेस पे बता पाएंगे तू रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। चलो, बट तू तो 182 ही कर गया, तो तेरे को सेकंड कंडीशन के एक्सेप्शन का कोई फायदा नहीं मिला। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं यहां ये सिर्फ 100 दिन के लिए है, 100 दिन के लिए है, और इंडिया छोड़ के क्यों गया है, नौकरी के लिए। तो आप देखो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 वाली लगी ना, सेकंड चेक करूं करनी नहीं, सेकंड 60 और 365 हो जाएगी, चेक करूंगा तो 60 और 4 साल में 365 हो जाएगी, बट नॉट टू बी चेक, क्योंकि ये बंदा एक्सेप्शनल में है, या तो शिप का क्रू मेंबर हो, इंडियन सिटीजन हो, शिप इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो जो फॉरेन गोइंग है, या इंडिया के बाहर इंडियन सिटीजन है ये, इंडियन सिटीजन हो आप, लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इंडिया छोड़ के जा रहे हो काम के लिए, सेकंड कंडीशन लगानी नहीं, फर्स्ट हुई नहीं, 60 365 चेक करनी नहीं, तो इसका मतलब देर इज नो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, कोई बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुई तो राम क्या है, नो बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन अप्लाइड, इसके लिए कोई बेसिक अप्लाई नहीं हुई तो ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। बड़ा खुश है राम के मैं क्या हो गया हूं, नॉन रेजिडेंट हो गया हूं, एक्सेप्शन की वजह से बच गया, क्योंकि इस पे लगनी नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा था। थोड़ा बदल देता हूं, मैं कह रहा हूं लीव इंडिया किस लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, एम टेक करनी है या कोई और स्टडी करनी है या बैरिस्टर की डिग्री करने जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो आप देखो राम हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, फर्स्ट लगी नहीं, सेकंड चेक करो करो, एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि इसका वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं, ये तो हायर स्टडी के लिए जा रहा है। 60 और 365 चेक करो, यहां पे 60 और 4 साल में 365 होगी, हो गई। तो ये राम क्या है, इसकी एक बेसिक, वन बेसिक कंडीशन अप्लाइड, यानी ये क्या है, रेसिडेंट है या तो ओआर या एनओआर, ये पक्का है, ये रेजिडेंट है, या तो ऑर्डिनरी यानी आरओआर या नॉट ऑर्डिनरी यानी एनओआर। समझ आया, ये पर्पस पे डिपेंड करता है कि इंडियन सिटीजन किस लिए जा रहा है। ओके, कोई डाउट इस कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम बोलो। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या सेकंड एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन, ये इसको मैं CI लिख रहा हूं, CI शॉर्ट में, इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
हु इज अब्रोड, हु इज अब्रोड मीन्स आजकल कहाँ सेट है वो, फॉरन में सेट है। बड़े लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के या इंडियन सिटीजन है, फॉरन में सेट हैं। विजिट्स टू इंडिया, विजिट्स टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ऐसे लोग जो प्रीवियस ईयर में इंडिया आते हैं, कौन लोग, जो इंडिया के सिटीजन है, जो फॉरेन में सेट हैं। मेरे लिए नहीं बनी, मैं भी सिटीजन हूं पर मैं अब्रॉड हूं क्या? हु इज अब्रॉड मतलब जो सेटल कहां है, फॉरेन में। हमारे को बेनिफिट नहीं, इस सेकंड बेसिक कंडीशन का बेनिफिट किन लोगों को है जो फॉरेन में सेटल हैं, कनाडा में, यूएस में। ऐसे लोग जो आज भी उनको सिटीजनशिप मिली हुई है भारत सरकार की, या फिर वो क्या है, इंडियन ओरिजिन के। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन सा होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, जिसे आप शॉर्ट में PIO कहते हैं, वो जिसने खुद इधर पेरेंट्स या इधर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले का इंडिया, यानी पूरा पाकिस्तान, यानी इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये बर्मा वगैरह भी तो शायद, जो म्यांमार है ये भी तो इंडिया में ही था काफ़ी पार्ट इसका। तो वो जो इंडिया था, यानी कि 1947 से पहले वाला इंडिया, कराची भी इंडिया था, लाहौर भी इंडिया था, रावलपिंडी भी इंडिया था, ढाका भी इंडिया था, तो वो सारा इंडिया जिसने खुद या जिसके मदर या फादर में या और है और या दादा दादी में से किसी एक ने भी 47 से पहले वाले इंडिया में जन्म लिया हो, मतलब लाहौर में लिया हो, ढाका में लिया हो, बॉम्बे में, दिल्ली में, 47 15 अगस्त 1947 से पहले वाले इंडिया में जन्म लिया हो, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाएगा। ऐसे लोग अक्सर अपने देश आते हैं, इंडिया में आते हैं। ऐसे लोग जो कि सेटल कहाँ हैं, फॉरन में, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये फॉरेन में सेटल हैं, हु इज अब्रॉड एट प्रेजेंट, ये विजिट्स टू इंडिया करते हैं, तो इनकम टैक्स ने कहा बख्श दो इनको 60 और 365 वाली कंडीशन से, बख्श दो इनके ऊपर 60 और 365 की कंडीशन चेक ना करो। इनको भी इस तरह इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या शिप के क्रू मेंबर की तरह, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन 182 इज टू बी वेरीफाइड, सेकेंड कंडीशन इज नॉट टू बी वेरीफाइड, इनके लिए मत लगाओ 60 और 365 दिन। समझे? कौन? जो इंडियन सिटीजन। मेरे को बेनिफिट मिलेगा इसका ना, क्योंकि अपा तो इंडिया में बसे हुए हैं, हमारे लिए नहीं, जो फॉरेन में सेटल है उनके लिए। जैसे मैं बात करूं, ये देखो कोई भी, शिव नारायण चंद्रपोल एक वेस्ट इंडीज के एक्स क्रिकेटर रहे हैं, बड़े फेमस, शिव नारायण चंद्रपोल। क्या था, उनके पेरेंट्स हरिद्वार से थे, दादा दादी पेरेंट्स दोनों हरिद्वार में पैदा हुए थे। नाम देखो शिव नारायण चंद्रपाल, हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार, तो शिव के नाम से उनका नाम शिव नारायण चंद्रपाल था। तो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हरिद्वार में रहा करते थे किसी अरसे में, बहुत पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन चंद्रपाल वेस्ट इंडीज में जा बसे। अब चंद्रपाल कभी कभार अगर इंडिया आते हैं तो क्या वो इंडियन ओरिजिन के हैं? यस, क्यों? 1947 से पहले वाले इंडिया में चंद्रपोल के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी ने भी जन्म इंडिया में लिया, तो वो क्या है, चंद्रपोल इंडियन ओरिजिन। अब वो इंडिया आएंगे तो उन पे कौन सी कंडीशन लगाना, सिर्फ 182, 2021 प्रीवियस ईयर में 182 रहे तो ठीक, लेकिन ये चेक ही ना करना 60 और 365 की कंडीशन। क्लियर? लेकिन अगर स्टीवो वेस्ट इंडीज के एक्स क्रिकेटर हैं, मिस्टर स्टीवो, नाम से क्लियर है स्टीवो, वो कौन से है, तो अपने सरनेम ही नहीं है, स्टीवो, वो इंडिया आते हैं कभी कभार, तो क्या स्टीवो जो है उन्होंने खुद इंडिया में जन्म लिया? ना, पेरेंट्स में से किसी ने 1947 से पहले वाले इंडिया में? ना, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी ने? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हैं सारे, तो वो क्या है, इंडियन ओरिजिन के नहीं है स्टीवो। अगर वो इंडिया आएंगे कभी कभी तो उन पे सेकंड बेसिक लगा के देख सकते हैं 60 365 वाली देख सकते हैं, उन पे ये कंडीशन लगा के देख सकते हैं। तो आपको देखना है, जैसे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाऊं, मैं कहता हूं 2021 100 डेज, 19, 20, 18, 19,
16, 17 यहां 100 डेज के लिए, 100 डेज, उससे पहले भी 100 डेज के लिए, मान लो इमरान खान की बात कर लेता हूं, इमरान खान पीएम ऑफ पाकिस्तान विजिट्स टू इंडिया। चलो इमरान खान 100 दिन के लिए इंडिया आ रहे हैं, तो इमरान खान पे फर्स्ट बेसिक लगाओ, बेसिक कंडीशन लगाओ, 182 पूरी हो रही है क्या? इमरान खान 182 की फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर पा रहे हैं ना? सेकंड चेक करूं क्या इमरान खान के लिए? देखो लगाऊंगा तो 60+365 हो जाएगा, लगा के देखूं कि ना देखूं? 60 और 365 लगा के देखूं हो जाएगा, पर लगा के देखूं कि ना देखूं? इसके लिए यह बात है यहां पे कि 60365 इमरान खान के लिए नहीं लगेगी, क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO, क्योंकि इनके ग्रैंड पेरेंट्स कहां पैदा हुए? लाहौर में, इस्लामाबाद में भी पैदा हुए, तो वो 47 से पहले सारा का सारा कहां था? इंडिया था। सिंध, गुजरात, मराठा, ये सब कुछ इंडिया था। वहां भी गुजरात है, राजस्थान है, वहां भी पंजाब है, लाहौर है, पेशावर, वो सब इंडिया था, कराची भी इंडिया था। तो इमरान खान क्या हो गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकंड लगानी है क्या? ना, सेकंड चेक नहीं करनी, फर्स्ट 182 हुई नहीं, तो इमरान खान क्या हो गए इंडिया में? नॉन रेजिडेंट। देखो ध्यान से, इमरान खान इंडिया में क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है बात? क्योंकि बेसिक ही नहीं हुई, फर्स्ट लगाई, लगी नहीं, सेकंड देखनी नहीं। अब मैंने इमरान खान की जगह जे बाइडन, पीएम ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट यूएस, क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है वो, जो फॉरेन सेटल? नहीं, नहीं। और उन पे 182 लगी नहीं। सेकंड चेक करूं, 60 और 365 लग जाएगी? यस, लग जाएगी। यहां 60 और 4 साल में 365 हो गए। जो बाइडेन पे क्या है? बेसिक कंडीशन सेकंड लग जाएगी, यानी या तो वो ओआर है या फिर क्या है, एनओआर है, वो रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी हैं, ये पक्का है वो नॉन रेजिडेंट नहीं, क्योंकि उन पे सेकंड बेसिक कंडीशन लग गई। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, हु इज अब्रॉड एट प्रेजेंट, विजिट्स ड्यूरिंग द ईयर टू इंडिया, ऐसे लोग इंडिया आते हैं तो उनको सेकंड बेसिक कंडीशन से बख्श दिया गया है। 60 और 365 वाली मत लगा के देखना उन लोगों के लिए, ठीक। 182 ही लगाना, वो होती है वेल, दूसरी ट्राई नहीं करनी, ठीक है। या जो शिप के क्रू मेंबर हैं या इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो उन लोगों पे भी नहीं लगानी। समझ आया ये? बोलो कोई डाउट? चलो, एक तो आपको ये पता लगा, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2020 में, इसी पॉइंट से रिलेटेड, ये वाला है ना जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो सेक्शन 66 आया, इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट। पढ़ो ये क्या कहता है, कहता है इसी बी पॉइंट से रिलेटेड, अगर इनकी इंडियन इनकम, कौन सी इनका मतलब क्या, इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यही सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि क्या है, ये कंडीशन लगा लेता फिर तो बात ही लग गई, तो ठीक। ये 182 सेकंड इनके लिए चेक नहीं करनी, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। फर्स्ट 182 लगी तो खेल वहीं खत्म, सेक्शन 61 वाली लगी तो बात सही है, लेकिन फर्स्ट 182 लगी नहीं, सेकंड अपा इनके लिए देखते नहीं, इन लोगों को नॉन रेजिडेंट कह देते अपा, अगर फर्स्ट नहीं लगी 182, नहीं रुक जाओ, एक अमेंडमेंट आया, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी ये वाली कैटेगरी सेकंड वाली, इसको लेके अगर इनकी इंडिया की इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनकी इंडिया की टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन की इनकम छोड़ो, इंडिया की जो इनकम है टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, सिटीजन ऑफ इंडिया PIO हैज इंडियन टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग
फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन में इनकम कमाई वो नहीं गिननी, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं, इज एक्सीडिंग है, एक्सीडिंग 15 लाख से ज्यादा हो, रुपीज 15 लाख पर अनम, इस साल 15 लाख से ज्यादा है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी अब इन्होंने घेर लिया उन लोगों को, वैसे तो बच गए थे वो लोग, 182 लगी नहीं, सेकंड चेक नहीं कर रहे थे, बच गए थे वो लोग, खुशकिस्मत थे, नॉन रेजिडेंट हो जाते थे, कहते ना 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 ठहरो, ब्रेक लगाओ, अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, इनकी इंडिया की इनकम, इंडियन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम से मतलब होता है पांचों हेड का टोटल, ग्रोस टोटल इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, माइनस ऑल डिडक्शंस, आगे डिडक्शन का चैप्टर आता है एटीसी से यू, लेस करके जो इंडिया की टैक्सेबल इनकम है, इसमें फॉरन की अर्न इनकम नहीं जोड़नी, फॉरन की इनकम हाँ इसमें ऐड होगी, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो इंडियन इनकम में जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप 15 लाख रुपए चेक करते वक्त ऐसी कोई बिजनेस जो फॉरेन में है लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल कहां से है, इंडिया से, आजकल तो नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जैसा भी इंडिया से कंट्रोल है तो वो भी जोड़ लो, लेकिन प्योर फॉरेन की इनकम नहीं जोड़नी। जैसे मान लो वॉशिंगटन में एक घर किराए पे चढ़ा हुआ है, वहीं का वहीं इनकम जमा हो रहा है, तो वो इनकम कहां कमाई जा रही है, वॉशिंगटन यूएस में, वहीं मिल रही है, इंडिया में नहीं मिल रही, वो इनकम नहीं लेनी, ठीक है। फॉरेन का कैपिटल गेन वहीं का वहीं है, वो नहीं लेना, फॉरेन की इनकम नहीं लेनी, प्योर फॉरेन, फॉरेन में बिजनेस है पर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, उसे ले लो 15 लाख में ले लो। तो कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया सीआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज इंडियन टैक्सेबल इनकम, इंडिया में जो इनकम है, टैक्सेबल का मतलब टोटल इनकम से है, वैसे सही वर्ड टोटल इनकम आता है। कहता है इंडियन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख, तो एनओआर कैन बी ट्रीटेड, उस बंदे को एनओआर माना जा सकता है इफ रेलिवेंट या कह दो करंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन, 120 दिन, चलो थोड़ी एनओआर बनाने के लिए 60 नहीं, उन्होंने क्या कर दिया 120 कर दिया, 120 रहे, एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, 2021 से पीछे वाले 4 साल में कितने दिन, 365। यानी कहने का मतलब अब इस अमेंडमेंट सेक्शन 66 है ये, सेक्शन 66, इस अमेंडमेंट से पहले तो कहानी बिल्कुल साफ थी कि कोई बंदा इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन है जो सेटल कहां है, फॉरेन में सेट है, इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है, उस आदमी को स्ट्रेट वे एग्जम्पशन थी कि तू ऐश कर, 182 हुई तो ओके, वरना ऐश कर, तू क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। लेकिन क्योंकि 60 और 365 चेक ही नहीं करते थे, छुट्टी उसकी, जैसे इमरान खान 60 365 करते तो सेटिस्फाई कर देता, पर चेक ही नहीं करते थे क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन था इसलिए। लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो बड़े इनकम वाले लोग हैं ना, ये इंडियन ओरिजिन वाले या सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया में क्यों कमा रहे हैं पैसा, ये इंडिया में कमा रहे हैं ना, अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा बड़ी इनकम, यानी कि साल में 15 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन की मत गिनो, अच्छी बात है, कमाओ कमाओ, इंडिया की 15 लाख से ज्यादा अगर कमा रहे हो, इंडिया की के अंदर इनकम कमा रहे हो 15 लाख से ज्यादा, तो तुम लोगों को भैया एनआर नहीं, तुम्हें एनओआर कहा जा सकता है, अगर तुमने करंट प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैं कह रहा हूं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 की बात कर रहे हैं, तो करंट प्रीवियस ईयर 2021 में कितने दिन इंडिया में रहे हो, 120 एंड 365 और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, 60 365 नहीं देखना, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 60 की जगह 120, आपके फायदे की बात की है, 60 दिन रहना फिर भी आसान था, चलो फायदा कर दिया आपका 120 कर दिया, 120 से ज्यादा ना रह जाना, और एंड 365, सिर्फ 120 से कुछ नहीं होता। मान लो मैं कहता हूं इमरान खान जिनकी इंडिया में इनकम 25 लाख है, फॉरेन की इनकम छोड़ो, इंडिया की या फॉरेन का बिजनेस जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, वो इनकम देखें तो 25 लाख है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कभी कभार इंडिया आता है सेटल फॉरेन में, 25 लाख है, तो भाई ठहर जा, तू बता करंट प्रीवियस ईयर में 120 रहा, इमरान खान कहता नहीं सर मैं तो 100 दिन आया, बच गया फिर तू,
पिछले चार साल में 365 तो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में 120 भी चाहिए, बस 60 एंड 365 की जगह क्या कर दिया, 120 एंड 365 कर दिया, पर चेक किया गया अगर तूने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो तुझे क्या कह देंगे हम, NOR, बस इसे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह देंगे, आगे कुछ नहीं चेक करना इसका, बस ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि अगर ये वैसी 182 कर देता, ठीक है, फर्स्ट बेसिक, तो आगे दो एडिशनल कंडीशन और हैं, दो एडिशनल शर्तें, वो भी कर दे तो ओआर बनता है, लेकिन जब 182 हुई नहीं, हम तो स्टेट वे छोड़ रहे थे अब तक कि भाई दूसरी चेक ना करो, नॉन रेजिडेंट कह दो, पर नहीं, इन्होंने कहा नॉन रेजिडेंट नहीं, बीच की कैटेगरी एनओआर मान लेते हैं, अगर 120 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर 2021 में रहा हो एंड 365 या उससे ज्यादा पिछले चार साल में रहा हो तो हम इसे स्टेट वे एनआर की जगह एनओआर का नाम दे देंगे। 66 कहता आगे एडिशनल मत देखो फिर, इसके लिए एडिशनल तो तब देखता जब ये 182 कर देता, वो कर देता फिर एडिशनल देखता, उसके अकॉर्डिंग ओआर भी बन सकता था नहीं तो एनओआर, लेकिन 182 की नहीं तो हम सीधा ही एनआर कह रहे थे पर रुक गए। अब भी अगर इसकी इनकम 15 लाख से कम हो, इमरान खान जो इंडियन सिटीजन है या फिर क्या है इंडियन ओरिजिन का है, आजकल फॉरेन में सेटल एब्रोड है और ये विजिट करता है इंडिया में, पर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो ये 66 सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये बेकार होगा, 66 ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बस स्ट्रेट वे हम बस सेकंड चेक ही नहीं करेंगे, फर्स्ट देखेंगे खाली, फर्स्ट हुई नॉन रेजिडेंट कह देंगे, यानी फंसाया गया 66 नया सेक्शन लाके बड़ी इनकम इंडिया में कमाने वाले ऐसे सिटीजन को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कि भाई 15 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हें एनओआर बनाया जा सकता है, कब, जब 120 दिन करंट प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 और उससे पीछे वाले में 365 या उससे ज़्यादा रहा हो। याद रखना ये रूल किसी और के लिए नहीं, ये सेकेंड कैटेगरी के लिए है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, क्रू मेंबर या लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस उनके लिए नहीं है, ये तो जाने वाले लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इंडिया में थे, जिनके पेरेंट्स दादा और वो लोग आजकल फॉरेन में सेट हैं, ये लोग इंडिया आना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, इन लोगों को स्टेट वे माफ़ किया गया था, आने दो, आएंगे पैसा खर्चेंगे देश का फायदा है, पर अब इसमें से बड़े जो इनकम वाले लोग हैं उनको एनओआर में डाला गया है, समझे, एक अमेंडमेंट ये था इसमें। ओके, तो देखना पड़ेगा पहली बात तो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता है, तो फिर देखना पड़ेगा 15 लाख से कम है तो कोई मतलब नहीं है 66 का, स्ट्रेट वे हम कह देंगे कि फर्स्ट लगी नहीं सेकंड लगानी नहीं एनआर, 15 से पार हो गए तो सेकंड कंडीशन ना लगा करके अपा उल्टा क्या देखेंगे 120 और 365 जो इंडिया छोड़ रहे हैं सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए, शिप के क्रू मेंबर फॉरन गोइंग इंडियन शिप, उनके लिए तो सीधा है कि अगर फर्स्ट 182 लगी ठीक, सेकंड चेक ही नहीं करनी, बस दोनों ने हुई तो क्या हो जाएंगे वो नॉन रेजिडेंट, समझे। तो 66 यही कहता है कि अगर कोई किसी की इंडियन, ये इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के लोग, अगर इनकी इनकम क्या है, फॉरेन की इनकम छोड़ो इंडियन इनकम, अगर इनकी 15 लाख रुपए से ज्यादा, पूरी 15 नहीं ग्रेटर देन 15 लाख प्रीवियस ईयर में हुई तो इनको एनओआर माना जाएगा, अगर करंट ईयर रेलिवेंट ईयर जो भी है 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां 120 और पिछले चार साल में 365 हो। फॉरेन सोर्स का इनकम, जो इनकम अक्रू और अराइज कहां हुई, फॉरेन में हुई इंडिया में नहीं, लेकिन जो इनकम फॉरेन बिजनेस की कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है उसे 15 लाख में जोड़ा जाएगा, उसे फॉरेन इनकम नहीं बल्कि इंडियन इनकम की तरह मानते हुए 15 लाख रुपए में जोड़ा जाएगा, क्लियर। इसी कहानी को अदर वर्ड में बता रहा है कि भाई ये लोग बचेंगे तब, जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है सिटीजन ऑफ इंडिया या पीआईओ, वो तब बचेंगे, एक तो 181 दिन या उससे कम हो, 182 नहीं होने चाहिए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, 182 हो गए तो चलो 181 है उससे कम है इनकम से 15 लाख से कम है, लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है और 182 दिन नहीं हुए तो यहां 120 या 365 नहीं पूरे होने चाहिए वरना आप एनओआर हो जाओगे, तो ये डिपेंड करता है अगर आपने बचना है तो, अदरवर्स एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहे ना पढ़े उसे, उसकी बात को दूसरे एंगल से बताया गया है, ठीक समझ आइए। इसमें 61 ए सेक्शन और आएगा वो मैं अभी बताऊंगा और शिप के क्रू मेंबर का बताऊंगा, पर पहले मैं आपको एडिशनल कंडीशंस बता दूं ताकि ये कंसेप्ट का आपके माइंड में सेट हो पाए, कौन ओआर कौन एनओआर कौन एनआर, क्योंकि ये तो बहुत सिलेक्टेड लोगों पे लगता है 61 ए या 66 बता दिया, 61 ए और फॉरेन शिप का बताऊंगा,
पहले मैं यहां पे आपको बता दूं एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। देखो एडिशनल जो कंडीशंस हैं दो रिलेटेड टू प्रसीडिंग ईयर, प्रसीडिंग ईयर से रिलेटेड है, मतलब ये करंट प्रीवियस ईयर 2021 नहीं, उससे पहले के सालों से रिलेटेड है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या कहती है और सेकंड क्या कहती है, 730 और मोर डेज स्पेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर प्रसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। 2021 से पहले वाले सालों में 7 साल में कितने दिन इंडिया में रहो, 730। अगर एक आदमी 100 डेज के लिए इंडिया आता है तो वो तो बच गया, क्योंकि वो 700 ही होंगे। हमें चाहिए कम से कम कितने, 730। कंटिन्यूज रहना जरूरी नहीं है, कभी 0 डेज है, 2-3 साल, कभी ज्यादा दिन है, टोटल 7 ईयर में 730 या उससे ज्यादा रहा हो। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, ही शुड सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे इन एट लीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर प्रोसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर 2021 से पहले वाले 10 साल में, पहले वाले 10 साल में कम से कम 2 साल कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी की हो, या तो पिछले साल में 182 या उससे ज्यादा रहा हो, या फिर देख लेंगे मौका क्या है, ओकेजन 60 और 365 देख लेंगे। 60, 365 सबके लिए नहीं देखेंगे, जैसे कि इंडियन सिटीजन है जो इंडिया जॉब के लिए जा रहा है, शिप का क्रू मेंबर, इनके लिए नहीं देखेंगे, या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, जो फिलहाल फॉरेन सेटल है, इनके लिए 60, 365 नहीं देखते। पर इनके लिए 66 नया रूल आया, वो लग गया तो ये NOR वैसे ही हो जाएंगे, इनको एडिशनल देखनी नहीं, मतलब इन लोगों के लिए एडिशनल शर्तें देखनी नहीं। 66 लग भी गया तो भी एडिशनल नहीं देखते, 120 और 365 वाला इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड, अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उनको सीधा स्टेट वे NOR कह देंगे, एडिशनल देखनी नहीं, यानी एडिशनल जिसके लिए देखनी है उसके एक्सेप्शन ये है। इन लोगों के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी नहीं, इनके लिए तो क्या देखनी है 182 इसमें, तो कोई भी एक 182 या 60, 365 जहां एप्लीकेबल है वो देख लो, लग गई लगातार जरूरी नहीं 2 साल, कोई भी 2 साल, मान लो पिछले 10 साल है 2021 से पहले वाले 10-11 से लेके 17-18 में 0 डेज था, बीच में कई साल 0 था, कभी पूरा साल था, मुझे तो 2 साल देखनी है। अगर ये बंदे की कोई भी एक बेसिक होगी 10 में से 2 साल और 7 साल में 730 दोनों शर्तें पूरी हो गई तो वो क्या होगा, OR। अब OR कौन होता है, NOR कौन होता है और NR कौन होता है, ये जानने का टाइम है। OR, NOR, NR कौन होता है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन एनीवन कोई भी एक होगी फर्स्ट या सेकंड, जहां एप्लीकेबल है सेकंड लगा लो, जहां एप्लीकेबल नहीं छोड़ो वहां फर्स्ट ही देखनी है। कोई भी एक बेसिक हो जाए और एडिशनल कंडीशंस की क्या बात करता है, एडिशनल कंडीशन बोथ रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2। मैंने जो बताया बुक से थोड़ा उल्टे तरीके से बताया, ये आसान है, वो कहते हैं जी 729 या उससे कम दिन रहा हो, उल्टा बताते हैं, मैंने आपको सीधा कर दिया 730 और मोर बता दिया, बात एक ही, आप ऐसे पढ़ो क्या कि 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कंडीशन पूरी की हो और एंड सेकंड 730 और मोर डेज ड्यूरिंग 7 ईयर प्रोसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी और बेसिक कोई भी एक, तो बंदा क्या हो जाएगा OR। NOR कौन होगा, जिसने एनी वन सेटिस्फाइड, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, नॉट बोथ, नॉट बोथ एडिशनल सेटिस्फाइड, दोनों एडिशनल नहीं की, मतलब या तो दोनों ही नहीं की, या पहली की सेकंड नहीं की, या पहली नहीं की सेकंड की,
एक ही बात है अपने लिए, याद रखना ओआर वो होगा जो एक बेसिक के बाद दोनों एडिशनल कर दे, किसी एक से बात बनने वाली नहीं है, एक से बात बनने वाली नहीं है, दोनों कर दे वो तो ओआर होगा। इसलिए मैं आपको अक्सर कहूंगा कि आप 730 वाली चेक कर लो। जैसे एक आदमी के लिए पिछले 7 साल में देखना है, वो हर साल 100 डेज के लिए इंडिया आ रहा है, तो 7 सालों का टोटल 700 दिन ही होंगे, 7 ईयर का टोटल 700 वही ना पूरा हुआ। फर्स्ट चेक करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक एडिशनल होने पे भी क्या रहेगा, एनओआर, दोनों ना होने पे भी एनओआर। जिसकी एक बेसिक होगी वो इन दोनों में से एक है, ओआर या एनओआर, एक बेसिक होगी एनीवन, एडिशनल दोनों होगी तो आर एक होगी या दोनों रहेगी, बात एक ही है, वो एनओआर होगा पक्का। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, 730 ना हो, 730 होगी फिर मुझे ये फर्स्ट भी चेक करनी है, 10 में से 2 साल एक बेसिक कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा एनओआर। नॉन रेजिडेंट बेसिक ही ना करे, आगे बढ़ो ही ना, एडिशनल चेक ही नहीं करनी। मैं कह रहा हूं बंदे की बेसिक ही नहीं हो रही तो बस छोड़ो, फिर वो आदमी क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। देखो शर्तों का खेल है, कंडीशन के बेस पे ओआर एनओआर एनआर बताना है। जिसकी बेसिक ही ना हो कोई वो एनआर। मान लो मिस्टर स्टीव वो इंडिया में पहली बार 2021 में आए, 50 दिन इंडिया में रहे, 50 डेज, तो 50 डेज में क्या, ना तो 182 हुई ना 60 और 365 हुई, तो वो क्या है, एनआर। एक आदमी इंडिया में पैदा हुआ, मिस्टर राम इंडिया में पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ इंडिया में रह रहा है, इंडियन सिटीजन है, पहली बार इंडिया छोड़ गया काम के लिए, फॉरेन में चला गया, वीजा एम्प्लॉयमेंट लगा है, वो इंडिया छोड़ गया, मान लो 1 सितंबर को इंडिया छोड़ गया, 1 अगस्त को इंडिया छोड़ गया, उसके बाद नहीं आया इंडिया, तो इंडिया के बाहर किस लिए गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पज, इंडियन सिटीजन है वो, नौकरी के लिए गया है, वीजा लगा एम्प्लॉयमेंट। अब उस आदमी ने इंडिया में कितना टाइम बताया, 2021 में 1 अगस्त 2021 में चला गया, 20 में चला गया, अप्रैल इंडिया में, मई इंडिया में, जून इंडिया में, जुलाई इंडिया में, 1 अगस्त भी इंडिया में, लगभग 123 दिन हो गए, 123 डेज इस साल पहली बार गया, इससे पहले जब से पैदा हुआ इंडिया है, लगाओ मिस्टर राम 123 दिन इंडिया में रह के 2021 में 1 अगस्त 2020 में इंडिया छोड़ गया। मैं कह रहा हूं 1 अगस्त 2020 में वो इंडिया छोड़ गया, लीव इंडिया हमेशा के लिए, उसकी नौकरी वोकरी लग गई। अब 1 अगस्त 2020 में इंडिया छोड़ा, अप्रैल इंडिया, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त का 1 दिन, तो 123 दिन हो जाएंगे, 123 दिन इंडिया था, इंडिया में था वो 123 डेज। फर्स्ट बेसिक लगाओ 2021 में 182 हुए नहीं, सेकंड लगाऊं 60 365 नहीं लगानी, क्योंकि एक्सेप्शन में कवर हो गया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, नहीं लगानी। एक स्टूडेंट कहता है जी वो 66 लगा लो, 66 में क्या था कि 120 प्लस 365 वो लगा लो सर, नहीं लगानी क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है मान लिया, लेकिन क्या ये फॉरेन में सेटल है, जो इंडिया में विजिट कर रहा है फॉरेन में सेट आदमी नहीं, ये तो इंडिया का आदमी इंडिया के बाहर जा रहा है, कोई इंडिया का ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन जो फॉरेन में सेटल हो वो विजिट करते हैं इंडिया में, उनके लिए 66 कि भाई चलो 182 लगती नहीं, सेकेंड लगानी नहीं, पर ठहरो अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है तो ठहर जाओ, 66 लगा लेते हैं, करंट प्रीवियस ईयर में 120, पिछले 4 साल में 365 हो गए, तो हम तुम्हें स्टेट वे एनओआर कह देंगे, एडिशनल चेक नहीं करेंगे ऐसा। पर ये आदमी तो इंडिया का बंदा, इंडिया के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, तो इसको तो एक्सेप्शन में रखो, फर्स्ट एक्सेप्शन, इस पे 6-1 कहता है, लगानी नहीं सेकंड बेसिक, फर्स्ट लगी नहीं, सेकंड लगानी नहीं, तो ये आदमी क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। कितना फर्क पड़ता है, मैं कहता हूं लीव इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस, ये आदमी इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए जा रहा है इन इंडिया, और लीव इंडिया क्यों, लीव फॉर एजुकेशन पर्पस, फंस गया ये तो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता तो सेकंड कंडीशन से बचता, 182 लगाओ 123 है ना, 60 और 365 लगाओ कैसा एक्सेप्शन, ये इंडिया के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है क्या, ना ये तो किस लिए जा रहा है, एजुकेशन, हर स्टडी, ट्रेनिंग, टूर,
ना ना ये तो एक्सेप्शन नहीं है, 60 और 365 लगाओ, 2021 में 60 दिन है, 123 है, 4 साल में 365, यस इंडिया में बसा हुआ है ये शुरू से। तो सेकंड बेसिक लग गई, लग गई, जिस पे एक बेसिक लग गई कोई भी एक बेसिक, या तो वो ओआर है या एनओआर। आगे बढ़ो, एडिशनल चेक करो, दोनों कर देगा क्या राम? चेक करो, राम ने पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में बिताए, भाग के बताए, क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा ही इंडिया में बसा हुआ है, जब से पैदा हुआ है, पहली बार इंडिया छोड़ के गया, आराम से 7 साल में, क्या 2 साल में ही पूरे हो गए 730 दिन, ये होगी पूरी। आगे बढ़ो, 10 में से एक साल कोई भी एक बेसिक कंडीशन कर देगा, 10 में से किसी भी 2 साल आराम से कर देगा, 10 के 10 कर देगा 182 वाली, यानी फर्स्ट एडिशनल भी होगी राम की, सेकंड एडिशनल भी होगी, बेसिक एक सेकंड वाली हो ही गई थी, एडिशनल दोनों होगी, तो राम क्या बन जाएगा इंडिया में? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो आपको ओआर देखना है कब? जब फर्स्ट बेसिक या सेकंड बेसिक लग जाए तो आगे बढ़ो, फिर फैसला करेंगे ओआर कहना है कि एनओआर कहना है, पहले एक बेसिक लगे उसके बाद। एडिशनल कंडीशन समझ आई? दोनों लगेंगी तो ओआर, नहीं तो एनओआर, जिसकी बेसिक ही ना हो तो उसे क्या कह देंगे? एनआर। थोड़ी मैं सिचुएशन बताता हूं, आप बताना मुझे क्या कहानी बनेगी, देखना क्या सिचुएशन है, बताना। मिस्टर स्टीवो, स्टीवो हर साल 100 दिन के लिए या 110 दिन के लिए इंडिया आते हैं, 110 10 साल से आ रहे हैं इंडिया, लो 2021 वाले साल में भी प्रीवियस ईयर में 110 दिन इंडिया आए, इतने दिन स्टीवो ने इंडिया में बिताए। इनके खानदान में कोई भी दूर दूर तक इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ना ये खुद इंडिया में अनडिवाइडेड में पैदा हुए, ना पेरेंट्स ना ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, तो ये आदमी को इंडियन ओरिजिन का नहीं माना जा सकता, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये फॉरनर है कोई, तो आप चेक करो बेसिक कंडीशन, इसकी बेसिक कंडीशन चेक करो, बेसिक कंडीशन फर्स्ट 182 ना, सेकंड देखूं क्या इसके लिए 60 और 365 चेक करूं? करो ना, तो ये इंडियन सिटीजन का आदमी विजिट्स टू इंडिया है, ना ये इंडियन ओरिजिन का है, कुछ भी नहीं, ना इंडियन सिटीजन है ना ये इंडियन ओरिजिन का है, कि एक्सेप्शन में डालूं? लगाओ सेकंड लग गई, सेकंड लग गई तो पक्का ये क्या है, या तो ओआर या एनओआर। अब एडिशनल की ओर बढ़ो, 7 साल में 730 कर देगा, 730 दिन 7 साल में, 730 दिन हो गए आराम से, 770 हो गए ना, 770 हो गए। ओके, अब देखो 770 हो गए थे वो तो ठीक, 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कर देगा, चेक करो यहां पे फर्स्ट बेसिक 182 नहीं कर रहा ये, लेकिन सेकंड बेसिक कर देगा, ध्यान से सेकंड बेसिक क्या है, 182 तो नहीं हो रही, लेकिन यहां पे जैसे मानो यही करंट प्रीवियस ईयर हो 60 और 4 सालों में 365 हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इस पे तो सेकंड बेसिक देखनी है, क्योंकि ना तो ही इंडियन सिटीजन है या ना ही इंडियन ओरिजिन के एक्सेप्शन में आ जाए, ये तो एक आम फॉरनर है, 110 दिन के लिए इंडिया आता है। तो आप देखो इसके ऊपर 730 तो लग गई, लेकिन आप चेक करो एक बेसिक 182 वाली नहीं हुई, ये मान लो यही 19-20 वाला साल ही क्या आपके लिए, ये 19-20 ही करंट प्रीवियस ईयर है, जैसे कि यहाँ 60 और 365 होगी, फिर आगे बढ़ो 18-19 में, 18-19 में देखो 182 नहीं हुई, 60-365 चेक करो इसके लिए, करो करो, इसको क्यों बख्शेंगे, करो, फर्स्ट नहीं हुई सेकंड हो गई 60 और 365, ये 60 और इससे पहले वाले 4 साल में 365 होगी, तो इसका मतलब ये क्या, इसने बेसिक कंडीशन इन 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर कर दी पूरी, एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाएं तो बंदा क्या हो जाता है, ओआर। तो स्टीव वो इंडिया में क्या होगा, ओआर होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा स्टीव वो, क्योंकि एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो गई। किसी को भी डाउट? थोड़ा क्वेश्चन बदलूं, मैंने स्टीव वो की जगह शिव नारायण चंद्रपॉल, मैंने कहा चंद्रपॉल पैदा हुए वेस्ट इंडीज में, चंद्रपाल के पेरेंट्स पैदा हुए 1950 से 1960 के बीच में, मम्मी पापा दोनों चंद्रपाल के, वो पैदा हुए दिल्ली में, तो भैया 1950 से 60 के बीच में पैदा होने का कोई फायदा नहीं,
मुझे कौन से ईयर में पैदा होना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कौन से ईयर में पैदा हुए हों, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या खुद 1947 से पहले वाले इंडिया में। मैं कह रहा हूँ चंद्रपाल कहाँ पैदा हुआ कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो 1947 के बाद ही पैदा हुआ है, पेरेंट्स भी 1947 के बाद पैदा हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मत देखो कहाँ पैदा हुए हैं। अब आ गई ग्रैंड पेरेंट्स की बारी, वो कहाँ पैदा हुए 1947 से पहले ही पैदा हुए, पता लगता है जी इसके दोनों पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो पैदा हुए वेस्ट इंडीज में ही, ओके, यानी 1947 से पहले कोई भी इंडिया में पैदा नहीं हुआ, चंद्रपाल भी नहीं, पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए पर 1947 के बाद अनडिवाइडेड में नहीं पैदा हुए इंडिया, और ग्रैंड पेरेंट्स वेस्ट इंडीज में पैदा हुए थे, तो कोई भी तो 1947 से पहले इंडिया नहीं है। तो ये क्या है, इस बंदे को एक्सेप्शन में रखा नहीं जाएगा, इंडियन ओरिजिन नहीं, ना ही इंडियन सिटीजन, तो स्टीव वर्ल्ड वाली स्टोरी लगाओ, क्या हो जाएगा ओआर। मैं थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूं, मैं कह दादा दादी में से कोई एक राजस्थान में पैदा हुए थे, शिवनारायण चंद्रपाल के मान लो मैं कहता हूं कि दादा या दादी में से 1930-35 में कोई राजस्थान में पैदा हुए थे इंडिया में, तो ये क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। और अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया तो अब आपको क्या देखना है, इसके लिए 182 वाली कंडीशन देखो हुई नहीं हुई, कितने दिन है यहां, दोबारा ये सारा हटा देता हूं, दोबारा से देख लो आप, क्वेश्चन लिखा पड़ा है, अब कहानी बदल गई कि बंदा क्या है, इंडियन ओरिजिन का कर दिया मैंने, इंडियन ओरिजिन का, लो 2021 इंडियन ओरिजिन का 182 डेज हुए नहीं, पर सेकंड तो इसके लिए चेक ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किस में आ गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड, आजकल फॉरेन में सेटल है, ये लोग इंडिया आते हैं तो सेकंड देखनी नहीं, रुक जाओ चंद्रपाल के लिए सेकंड बेसिक अभी जल्दी में मत देखो, ठहरो फिर, सेक्शन 66 का रोल आने दो, क्या ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यस, क्या इसकी इनकम 15 लाख से कम है, मैं कहता हूं कि इसकी इंडियन इनकम जो है, इंडियन इनकम सिर्फ ही 7 लाख है या है ही नहीं, ये फॉरेन में बस है, बस थोड़े बहुत दिन इंडिया आता है, इंडिया में कुछ नहीं कमाता, 15 लाख से कम है यानी है ही नहीं, या 15 लाख से कम, तो बस फिर कुछ नहीं करना, फिर तो क्या ये स्टेट वे NR हो जाएगा, बात ही खत्म, फिर तो क्या हो जाएगा NR, और जब 66 देखता हूं तो एडिशनल का रोल खत्म हो गया, फिर एडिशनल नहीं देखनी, फर्स्ट लगाओ 182 लगी नहीं, 60 और 365 वाली लगानी नहीं, क्योंकि ये क्या है, इंडियन ओरिजिन क्या है, विजिट्स टू इंडिया, पर ठहरो, क्या इसकी 15 लाख से ज्यादा इनकम है, नहीं है, छोड़ो बस फिर खत्म, सेकंड का कोई चक्कर नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा NR, लेकिन ठहर जाओ, मैं कहता हूं ठहरो, इंडियन ओरिजिन क्या है और इसकी इंडियन इनकम 17 लाख रुपए है, 66 सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन 66 क्या कहता है, वो कहता है कि इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन के आदमी जो अब्रॉड हैं, फॉरेनर हैं, उनकी अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो ठहरो, आप प्रीवियस ईयर 2021 जो रेलिवेंट ईयर वहाँ 120 दिन या उससे ज़्यादा एंड 365 इन 4 ईयर प्रोसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है, नहीं नहीं बच गया, 120 नहीं, यहाँ कितने दिन है, 110, तो इस पोजीशन में भी चंद्रपाल क्या है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि 120 ही नहीं हुए, क्लियर, थोड़ी सिचुएशन बदल दूं, मैं कहूँ यहाँ पे 130 दिन आया था पहले, फिर तो हो जाएंगे 120 भी हो जाएंगे 4 साल में 365 भी, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये NR बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगी पूरी 182, सेकंड देखनी नहीं थी वैसे 60 और 365, लेकिन क्या एक और रूल आ गया 66, अगर 15 लाख से ऊपर इंडियन इनकम है इनकी, इस कैटेगरी के लोगों की, सेकंड कैटेगरी वाली, 66 इन्हीं के लिए है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, तो 120 और 365 देखो, थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूँ, यहाँ 130 है लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में जीरो है, यहाँ 110 यहाँ बीच में जीरो है, 4 साल में 365 ही नहीं होने, 120 तो हो गए लेकिन 365 नहीं हो रहे, अब 330 हो रहे हैं 4 साल में, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, NR ही हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, 120 तो हो गए, 365 नहीं हो रहे, आपको एडिशनल देखनी नहीं होती, 66 कहता है, हम सीधा ही NOR कह देंगे, वैसे तो पुराने रूल के हिसाब से तो NR ही होना चाहिए, आज भी अगर ये 15 लाख इनकम ना हो तो सीधा ही NR कह दो इसे, लेकिन एक नया रूल लिया है कि अगर 15 लाख से ऊपर है तो थोड़ा स्कोप है NOR बनाने का, NOR बनने पे कुछ इनकम और लपेटे में आ सकती है, इनकम टैक्स लगा सकता है उस केस में, बोलो कोई डाउट, समझ आया एक्सेप्शन,
किसी को प्रॉब्लम इसमें? और ये एडिशनल कंडीशन कैसे चेक करनी है? जिसकी एक बेसिक हो जाए और दोनों एडिशनल वो ओआर, एक बेसिक हो, कोई भी एडिशनल रह जाए तो एनओआर। 6-6 में फॉल कर गया, वैसे तो एनआर होना चाहिए पर नहीं, 6-6 कहता है अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की, तो उस पर 120 और 365 लगा के देखो, लग गया तो बस उसे क्या कह दो, एनओआर। उसके लिए एडिशनल नहीं देखनी, उसे ओआर नहीं बना सकते, पहले ही एनआर बन रहा था वो, ये तो अमेंडमेंट ला के उसने एनआर से क्या बना दिया, एनओआर। 15 लाख से ऊपर इनकम हो, 120 और 365 दिन ठहरोगे तो। तो ये 6-6 मैंने आपको बता दिया जो अमेंडेड था, जो इसमें एडिशन हुआ था, एडिशनल कंडीशन बता दी। बोलो कोई डाउट यहां तक? और ये जो शिप का केस है ना, ये मैं आपको पेज नंबर 3 पे लेके चलता हूं। पेज नंबर 3 क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल, बताया था ना सिटीजन ऑफ इंडिया है, शिप का क्रू मेंबर है, कोई इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन गोइंग इंडियन शिप या वेसल, उसका मेंबर है तो उस पर सेकेंड बेसिक नहीं लगाते थे, तो वो बताया था मैंने 365 नहीं देखते, 182 देखते हैं। पर इनके दिन गिनते वक्त आपको ध्यान रखना है, पेज नंबर 3 पे ऊपर ऊपर अपने नोट्स में टॉपिक देखो कि कोई इंडियन सिटीजन है, शिप का क्रू मेंबर है, कैप्टन वगैरह है, फॉरेन बाउंड शिप है जो इंडिया छोड़ के जाता है, अक्सर फॉरेन जाता है, तो उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया वो माना जाएगा, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल नॉट इंक्लूड, वो दिन ना गिना, बिगनिंग ऑन द डेट एंटर इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय सेड इंडिविजुअल फॉर इलिजिबल वॉयज। ऐसा है, जब आप शिप पे सवार होते हैं, शिप पे बैठते हैं, तो एक रिकॉर्ड बनता है, डिस्चार्ज स्लिप बनती है कि हाँ ये आदमी शिप पे बोर्ड हो गया है, बस अब ये शिप फॉरन जाएगा, उस दिन से वो दिन फॉरन के मान लिए जाए। कई बार एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, कहता जी शिप इंडिया के अंदर भी तो इंडिया का पानी है, उस शिप पे लोड होने बंदा बैठ गया, उसके बाद शिप इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करते एक दिन लगा दे तो वो दिन गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। जब उसे डिस्चार्ज स्लिप मिल गई, उस पर डेट लिख दी, समझो वो शिप पे बैठ गया है वो क्रू मेंबर, तो वो इंडिया में ना गिना जाए, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाएगा इलिजिबल वॉइस के लिए जाने के लिए। एंड शेल एंड, वो टाइम नहीं गिना जाएगा जब कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन ऑफ होगा कि इंडिविजुअल शिप पे हाँ भाई ये इंडिया आ गया है, यानी डिस्चार्ज से लेके इंडिया आने का जो साइन मिलेगा, साइन ऑफ होगा, वो पीरियड फॉरेन में माना जाए। तो बता रहा है एलिजिबल वॉइस क्या है, कि इंडिया से शुरू करके फॉरेन गया, फॉरेन से शुरू करके इंडिया आया, तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया में शिप पे बैठ गया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन से लेके, फिर फॉरेन गया, फिर फॉरेन से वापस इंडिया आया लोगों को लेके, फिर जब इंडिया आएगा तो फिर एक स्लिप साइन होगी कि हाँ ये बंदा इंडिया में आ गया, उसके बीच जो दिन है वो फॉरेन के दिन है, वो इंडिया में ना गिने जाए, ये तो कॉमन सेंस है। पर बस ये है कि ये झगड़ा ना हो, कब इंडिया के बाहर गया मान ले तो वो क्लियर कर दिया इसने, एलिजिबल वॉइस होती है जो इंडिया से फॉरेन जाए शिप या फॉरेन से इंडिया आए, उसमें इंडिया से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला, उस दिन से दिन गिनने इंडिया में बंद कर दो, फिर फॉरेन से आएगा जब इंडिया में एंट्री करेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा साइन ऑफ, तो वो क्या है, वो बोर्ड अनबोर्ड किया जाएगा सब लोगों को, माल को, तो उस दिन तक के दिन फॉरेन के हैं, इंडिया में ना गिने जाए। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल है, क्या पढ़ो, मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है, शिप का क्रू मेंबर है, सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है, सिंगापुर जाता है ये शिप, इंडिया का शिप है, आनंद उसमें क्रू मेंबर है जो पैसेंजर को इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के लिए इंडिया से फॉरेन, फॉरेन से इंडिया, तो चेन्नई पोर्ट पे 6 जून 2020 को लोड हुआ, लोगों का ट्रैफिकिंग शुरू हुई, फ्रॉम द डिटेल प्रीवियस ईयर 2021 इसका आनंद का स्टेटस बताना है, एज्यूम करो लास्ट 4 ईयर में ये 400 दिन इंडिया में था और पिछले 7 साल में 750। इस एग्जाम्पल पेज में क्या कहता है, 400 days in 4 year preceding the current previous year, 2021 से पहले, एंड ये 750 days in 7 year preceding the करंट प्रिय, ये शॉर्ट में उसने सोल्व करके दे दिया है इसकी कहानी। आगे बढ़ो, वो कहता है जी 6 जून को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया, यानी वो इंडिया में क्या है, लीव इंडिया कब मान लिया जाए, लीव इंडिया मान लिया जाए 6 जून 2020 को, डिस्चार्ज
एलिजिबल वॉइस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया, ये शिप पे ज्वाइन कर लिया इसने। और कहता है डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप, मैंने शिप छोड़ रहा हूँ भाई, शिप इंडिया आ गया तो वो सारे लोगों को संभला के सब काम साइन कर देता है, जी मेरा काम खत्म मैं जा रहा हूँ, तो वो साइन ऑफ करेगा ना भी, डिस्चार्ज कर दो मुझे, मेरी ड्यूटी खत्म होगी, शिप इंडिया आ गया। तो वो साइन ऑफ कब हुए हैं? वो साइन ऑफ हुए हैं डिस्चार्जिंग द शिप, यानी साइन ऑफ हुए हैं उसके, वो कब हुए हैं? 9 दिसंबर 2020। ये दिन इंडिया के बाहर के हैं, आउटसाइड इंडिया दिन है ये, बीच के, बाकी दिन इंडिया में गिने जाए, ये इंडिया के बाहर के दिन है। इन इंडिया गिनों कितने दिन हैं इसके इंडिया में, इंडिया में देखो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून का 6 दिन, फिर कई दिन इंडिया में नहीं है, फिर दिसंबर के आप 23 दिन गिनो 31 में से 8 दिन इंडिया में ना गिनो, बाकी दिन इंडिया में, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च के 31 दिन, तो कितने दिन हो गए इंडिया में देखो, 30, 31, 6 दिन, 23 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 31 दिन, 180 दिन बनते हैं, 180 बनते हैं, और अगर लीप ईयर होता तो 181 बन जाते, इसके कितने दिन बनेंगे इंडिया में गिन लो आप ध्यान से, सही गिने ना अपने, इंडिया में दिन गिनने आपने, एक मिनट, ये देखना 6 जून, तो 6 जून है तो अच्छा 6 जून भी नहीं गिन रहा, ओके 6 जून भी नहीं गिन रहा, 5 दिन ले रहे हैं, 5 दिन, और दिसंबर के कितने देखो, दिसंबर 9 दिसंबर को आप देखो, 9 दिसंबर को ये बंदा जो है इंडिया से बाहर है, तो 9 दिन मत गिनो, यानी ये दिन नहीं गिन रहा, ओके ठीक है 9 दिन, तो ये 22 दिन इंडिया में है। अब देखो यानी कि 6 तारीख और 9 तारीख भी जाने और आने का दिन नहीं, जब साइन कर रहा वो दिन नहीं गिने, आप अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 5, दिसंबर के 22 और जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, 178 दिन बनेंगे, सही है 178, अगर लीप ईयर होता तो कितने दिन बन जाते, लीप ईयर होता तो ये बन जाते 179 डेज, तो यानी ये 178 डेज इंडिया में है, 178 दिन इंडिया में है, 365 माइनस 187 कह दो, तीन ये दिन बनेंगे बाहर, आउटसाइड इंडिया के दिन गिनना, आउटसाइड इंडिया कितने दिन इंडिया के बाहर है, जून के 25 दिन 6 तारीख के साथ, ठीक, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 9, ये दिन गिनना कितने इंडिया के बाहर है, ये 25 प्लस 31 प्लस 31 30, 31, 30 और 9, 187 दिन इंडिया के बाहर है, तो 365 में से 187 कम कर दो, 365 माइनस 187, 178 डेज इंडिया में है, ऐसे गिन लो, आउटसाइड वाले दिन गिन लो, माइनस कर दो 365 में से, या सीधा इंडिया के दिन गिन लो, इसमें जिस दिन साइन हो रहा है डिस्चार्ज का और जिस दिन शिप छोड़ रहा है साइन ऑफ, वो भी फॉरन में गिना जाए, नॉर्मली आईसीआई का क्वेश्चन है ये, तो 178 डेज इंडिया में है, तो आप इसका चेक करो, 178 डेज ये बंदा अगर इंडिया में है तो आप देखो बेसिक फर्स्ट लग रही है क्या, बेसिक कंडीशन फर्स्ट 182 ना, ये तो 178 है, सेकंड अपन ने देखनी नहीं, सेकंड क्यों, क्योंकि इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो 63,65 देखनी नहीं, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ये बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, आनंद की 182 हुई नहीं, सेकंड 63,65 देखनी नहीं, 178 डेज इंडिया में है, शिप के क्रू मेंबर हो या इंडिया के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहे हो, उनके लिए अपन सेकंड बेसिक नहीं देखते। हाँ, अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि सेटल हैं फॉरेन में, विजिट्स ड्यूरिंग द ईयर टू इंडिया,
तो ऐसे लोगों की अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो एक नया कंसेप्ट 66 में दे दिया कि यार यहां ये ना देखो 120 और 365 देखो, हो जाए तो एनओआर। पर ये शिप के क्रू मेंबर या इंडिया का पर्सन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस उसके लिए नहीं है, ये इस कैटेगरी के लिए है। ठीक, तो इसका मतलब इसके लिए नहीं देखनी वो इनकम चाहे कितनी भी हो, ये क्या है नॉन रेजिडेंट। बोलो कोई भी डाउट, समझ आया कोई भी प्रॉब्लम? यस, कोई भी डाउट? 178 डेज कैसे बनाइए, क्लियर? इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? अब एक और अमेंडमेंट जो आई थोड़ा उसकी वजह से लोग इसमें कंफ्यूज हुए, 61 ने आई, वो आई, दो आई, एक तो 66 मैंने अभी बता दी, वो तो इंडियन ओरिजिन के बंदे या फिर इंडियन सिटीजन हु इज अब्रॉड एट प्रेजेंट विजिट्स टू इंडिया, उनके लिए 66 120 और 365 लगा के देख लो, लग जाए। और वो कब लगा के देखनी है? अगर उनकी इंडियन इनकम जो है टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, अगर 15 लाख से कम है तो वो 120 365 भी नहीं लगानी, सीधा एनआर कह दो। ओके, इसी तरह से एक और अमेंडमेंट आई इसमें 61A, जिसने 66 और 61A को आपस में क्या है कंफ्यूजिंग कर दिया, डीम्ड रेजिडेंट, वाकई बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी इसने, डीम्ड रेजिडेंट 61A। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है लोग लाइटली ना लें, सरकार कहती है लगे रहो इनकम टैक्स पढ़ने में, और नए नए कहानियां जोड़े जा रहे हैं उसके अंदर ही, और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि कभी कोई जमाना था सरकार 10 साल पहले 8 साल पहले सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड लाने जा रही थी, DTC डायरेक्ट टैक्स कोड, वो कह रहे थे इनकम टैक्स के इतने टेढ़े मेढ़े प्रोविजन है, हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह के, जेब में रख लो इनकम टैक्स। लेकिन वो बातें हवाई बातें ही रह गई, जैसे जेटली जी कहा करते थे GST इतना ईजी बनाएंगे कि पड़ोस का बच्चा भी समझ लेगा, तो वो कोई बच्चा मिला ही नहीं जिसको समझ आए, वैसी हालत इनकम टैक्स की कर दी इन्होंने। इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स बड़े बड़े प्रोफेशनल नहीं समझ पा रहे, स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल होना ही होना है, हर प्रोविजन के अंदर प्रोविजन, प्रोविजन के अंदर प्रोविजन, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो 61A क्या कहता है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया CII who is unable to satisfy any basic condition, जो बच गया ना, कोई बेसिक नहीं कर रहा, कोई इंडियन सिटीजन है जो बेसिक नहीं कर रहा, कोई बेसिक नहीं कर रहा, कैन बी ट्रीटेड एज एनओआर माना जा सकता है इफ। बोलो, अब NOR ही बनाते जा रहे हैं, एक 66 ले आए NOR का और एक 61A डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट में NOR है, OR नहीं है, सिर्फ NOR। क्या एक तो कंडीशन है कि पर्सन क्या हो, इंडिया का सिटीजन हो, वो मैं बता चुका हूं, याद रखना ये वाला सेक्शन PIO पे नॉट एप्लीकेबल है, 66 लगता था सिटीजन पे और PIO पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, यानी कि अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उस पर 61A कभी चेक नहीं होता, 61A चेक होता है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, जिस पे बेसिक ना लगे, वो NR होने जा रहा था, बेसिक लग नहीं रही कोई भी, नॉन रेजिडेंट कहने वाला था, ये कहते ठहर जाओ पहले तो बताओ तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पहली कंडीशन तो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो मैंने ऊपर ही लिख दी कि बंदा इंडियन सिटीजन हो, अगर PIO है उस पे 61A नहीं, और जिस बंदे पे 66 लग गया या 61 लग गया, 61A उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, यानी ये 61A तो उन लोगों के लिए स्टडी करना है, या 61 या 66 दोनों चेक कर लो, पहले वो लग जाए तो लगा लो, 61A को भूल जाओ, अगर वो फेल हो जाए वो ना लगे तो आ जाओ फिर 61A में उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, जो क्या हो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जरूरी है, PIO पे चेक नहीं करना, इंडिया का सिटीजन हो। सेकंड उसके लिए क्या कहता है, उसकी इंडियन टोटल इनकम, इंडियन टैक्सेबल टोटल इनकम जो है, टैक्सेबल टोटल इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख नहीं 15 लाख से ज्यादा हो। अब ये इंडियन इनकम का मीनिंग वही है जो 66 में था। ओके, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री
और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। लास्ट पॉइंट पढ़ो, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल एंड रेजिडेंस और अदर रीजन। एक आदमी बड़ा चलाक है, वो कई देशों में रहता है थोड़े थोड़े दिन कई देशों में, और उसका फायदा उसे मिल रहा है कि वो कहीं भी टैक्स की स्लैब में नहीं फंस रहा। बाय चांस ऐसा कोई गेम है कि वो अलग अलग देशों में इस हिसाब किताब से डोमिसाइल्ड है, इस हिसाब किताब से रहता है कि वो इनकम जो है उसकी कहीं भी टैक्सेबल नहीं, तो इंडिया वाले कहते हैं हम ही फंसा लें इसे अगर कहीं नहीं टैक्स लग रहा, तो ऐसी कंडीशन के उसके ऊपर कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा और उसकी इनकम इंडिया में वैसे 15 लाख से ज़्यादा दिख रही है हमें और ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, ऐसे लोगों को 610A में क्या कह दो, नॉन रेजिडेंट, बस सिदाई। उसके लिए अपने को डेज वेज देखने ही नहीं, डेज कैलकुलेशन नॉट रेलिवेंट। बस आप ये देख लो कि एक आदमी ऐसा है जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन और इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और किसी और देश में उस पर कोई असेसमेंट नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को क्या कह दो, NOR। जैसे 66 में तो देखते थे 120 और 365, यहाँ नहीं देखना। ये कह रहे हैं जिस पे बेसी कोई ना लगे, वो आदमी वैसे तो NOR होने वाला था, पर ठहर जो कह रहा है 610A, एक इंडिविजुअल को 610A में फंसा के उसे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बताया जा सकता है अगर उस पर कोई बेसिक लगी नहीं, वो नॉन रेजिडेंट होने जा रहा था। कहते ठहर जो, तू इंडियन सिटीजन है, तेरी इनकम 15 लाख रुपए साल से ज़्यादा है इंडिया में इस साल, और तू किसी और कंट्री में इस इनकम पे टैक्स नहीं दे रहा, तू रहने का हिसाब किताब तेरा ऐसा है और किसी देश में टैक्स नहीं, तो तुझे हम क्या मान लेंगे, NOR। और NOR होने पे इंडिया इनकम पे टैक्स लगता है, प्लस थोड़ी कभी कभी फॉरेन इनकम पे भी, वो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जिस पे 66 लग जाए या 61 लग जाए उस पे 610A नहीं, दोनों नहीं लगाने। पहले तो आप वो 61 के रूल लगा लो, 182, 160, 365 एडिशनल शर्तें, ठीक है वो लगाओ, या फिर एक बंदा है जो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का है, वो इज अब्रॉड इंडिया आता है, तो उस पर 182 नहीं लगी, सेकंड लगानी नहीं, पर उस पर अपने कौन सी लगा ली, 120 प्लस 365 वो लग गई, तो उसे NOR कह दिया, किस्सा वहीं ख़त्म। वो NOR ही कहना है, ये भी तो NOR ही कहता है, तो NOR वहीं हो गया, छोड़ो फिर। लेकिन वो नहीं लग रही 120, 365 से बचता है वो, 15 लाख से ऊपर इनकम है लेकिन 120, 365 नहीं होते तो यहाँ फंसा लो। कहते 15 लाख से ऊपर है, फॉरेन में कहीं टैक्स नहीं दिया उसने, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम उसे क्या मानेंगे, जबरदस्ती है हमारी, हम तो NOR मानेंगे ऐसे बंदे को, अगर वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, तो इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है तो भैया तेरी ड्यूटी है टैक्स दे, तो तुझे NOR मान लेंगे। तो 610A NOR मानता है, एक इंडिविजुअल के लिए रूल है। क्या कहता है, डीम टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कब, अगर आपने कोई बेसिक नहीं की, वो लगा के देखी वो नहीं लगी बेसिक अपनी कोई भी, अपन ने लगाई 60 और 365 या 182 वाली, ठीक है वो नहीं लगी, इंडियन सिटीजन है, इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, किसी और देश में टैक्स नहीं लगा, तो उसे NOR मान लो और उस NOR के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाए। नीचे नोट कहता है, स्टूडेंट को माइंड में रखना है, 610A स्पेशल प्रोविजन है, ये बेसिक और एडिशनल चेक करने का रूल ही नहीं बनाता, ये कहता है भाई सीधा ही है बस हमारा, तो इंडियन सिटीजन 15 लाख से ऊपर इनकम, कहीं और टैक्स नहीं देता, तो NOR मान लो, देश कितने हैं मत देखो। सेकंड कह रहा है, फर्दर हमें रिमेंबर करना है ये इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है, POI पे नहीं, 610A पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं, जबकि 66 दोनों पे थी, ओके पर्सन ऑफ 120 और 365 वाली, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस इंडियन सिटीजन पे दोनों पे थी, 120, 365 अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, NOR कह देते थे, लेकिन इसमें इसमें क्या है, सिर्फ इंडियन सिटीजन वर्ड कवर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे ये नहीं लगता 610A। और ये कह रहा है 610A की एक्सप्लेनेशन क्लियर बताती है कि 61 या 66 लग गया है वो 120, 365 वाला या 182 वाला, तो फिर उन लोगों के लिए 610A स्टडी नहीं करना, 610A एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो कोई भी डाउट, कुछ आइडिया हुआ कि कब कोई इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट? ऑर्डिनरी आम आदमी जब ये इंडियन सिटीजन फॉरेन में सेट है या इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं या
इंडिया के बाहर से कमा रहे ऐसे लोगों को छोड़ दूँ तो बाकियों का कोई खास मुश्किल नहीं है, बेसिक और एडिशनल लगा के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए एक्सेप्शन एक्सेप्शन आ गए, उन्होंने क्या दो रूल और बीच में एडजस्ट कर दिए, 6-6 सेक्शन और 6-1A सेक्शन। तो अब इसको माइंड में रख के इंडिविजुअल के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए ताकि हमारा, क्योंकि इसमें ना इतना कुछ डाल दिया है कि कई बार क्या है सारे रूल मिक्स होने का डाउट रहता है। पहली बात तो 15 लाख से कम इंडियन इनकम हो तो खेल खत्म, फिर तो बड़ा आसान है। 15 लाख से ऊपर हो तो ही दिक्कतें आएंगी हमारे को, ये इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वाले की। 15 लाख से ऊपर इनकम हो तो 6-6 में 120 और 365 से ज़्यादा हो जाएं तो NOR, अगर 120 365 नहीं होते तो 6-1A का रोल आएगा। वो कहते हैं इंडियन सिटीजन हो, फॉरन में इनकम ना हो, 15 लाख टैक्सेबल हो और 15 लाख से ऊपर हो तो हम NOR कह देंगे। चलो ये सारी बातें माइंड में रख के अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, या इससे पहले आप आ जाओ इसमें एक दो लेंथी क्वेश्चंस पे चलता हूँ, इलस्ट्रेशन 16 पे आ जाओ। इसी ये जो 6-1A या 6-6 इससे रिलेटेड ही है। इलस्ट्रेशन 16 में क्या कहता है देखते हैं। इलस्ट्रेशन 16 क्या मोनू सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये प्रोफेशन अपना नेपाल में चलाता है और वेयर ही इज नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स, नेपाल में कोई टैक्स नहीं लगता, ओके नेपाल में काम करता है। हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 11 लाख रुपए इंडिया से और 5 लाख रुपए प्रोफेशन नेपाल में है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अच्छा अर्न इन इंडिया, देखो ये कह रहा है जो मोनू नाम का ये आदमी है, अर्न इन इंडिया, इंडिया में कितने रुपए कमाए इसने, 11 लाख। प्रोफेशन इन नेपाल, नेपाल में बिजनेस प्रोफेशन है बट कंट्रोल या सेटअप कहाँ है, सेटअप फ्रॉम इंडिया है। तो भैया ये कितने पैसे हैं उसके कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले, 5 लाख। तो ये इंडियन इनकम कितनी मानी जाए, 16 लाख इसकी इंडियन इनकम मान ली जाए, ओके 16 लाख। और इसने क्या है नेपाल से 13 लाख कमाए हैं वो अलग से दे रहा है, प्रोफेशन सेट है। बिसाइड दिस प्रोफेशनल इनकम अर्न इन नेपाल, प्रोफेशनल इनकम अर्न इन नेपाल, अर्न इन नेपाल, इसका मतलब ये कहता है कि नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता तो इसे भी बीच में लपेट लेते, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये इनकम का हिस्सा जो इंडिया से कोई इसका लेना देना नहीं। ये कितने रुपए है, 13 लाख है, इनको छोड़ो ये इनकम, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा है तो पंगा पड़ सकता है। चलो इसका स्टेटस बताओ, ये आदमी कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो मोनू क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन है पहली बात। और ये कह रहा है बिजनेस कहाँ कर रहा है, ये सेटल्ड इन नेपाल है, सेटल्ड इन नेपाल, वहाँ बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तो यानी ये आदमी इंडियन सिटीजन जो सेटल इन नेपाल है, गया नहीं वहीं सेट है ये, ओके। ये विजिट करता है 2021 में 105 दिन, ए पॉइंट, प्रीवियस ईयर 2020-21 में 105 दिन इंडिया आता है। तो लगाओ इस पर कंडीशन, लगाओ इसका, इसके ऊपर लगाओ बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन जो है फर्स्ट 182 नहीं लग रही और 60-365 इसके लिए लगानी नहीं, क्योंकि इंडियन सिटीजन है, 60-165 नॉट टू बी चेक, 60-365 नॉट टू बी चेक्ड, चेक ही नहीं करनी इसके लिए। जानते क्यों नहीं करनी, क्योंकि इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया, वो आ गई ना इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया, वो कहानी आ गई ना इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया। तो इसलिए क्या है इस पे क्या 60-365 देखनी नहीं, फर्स्ट हुई नहीं, ये तो वैसे NR होना चाहिए। पर ठहरो, इफ हैज इनकम, इंडियन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख, है 15 लाख से ज्यादा साल में, यस, इसका आंसर क्या है, यस इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ठहरो। फिर करंट प्रीवियस ईयर या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2021 में 120 दिन, फोर प्रसिडिंग ईयर में 365 दिन इंडिया में रहा, चेक करो, एंड आई एंड नो, आंसर इज नो,
नहीं रहा, 105 दिन रहा, 120 नहीं होते और 365 भी नहीं, कहीं हिंट है अपने पास। तो यानी कि कहने का मतलब ये 66 सेक्शन लगाने की मैं कोशिश कर रहा था, अंडर सेक्शन 66 देख रहा था मैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, 16 लाख है, और ये जो टोटल कर रहा था तो वो 120 और 365 नहीं हो रहे थे, इसलिए क्या है इसको स्ट्रेट वे मैं क्या कह दूँ, नॉन रेजिडेंट कह दूँ, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ओनली 16 लाख टैक्सेबल इन इंडिया हो सकते हैं इसके इसमें, चेक करो, 15 लाख से ज्यादा है, बीइंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया ही शैल बी डीम्ड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6। अच्छा चलो ये वाले सेक्शन पे छोड़ो, 6 लगाया अपने, ओके सेक्शन 6 नॉट एप्लीकेबल, बच गया, ठहरो भी सेक्शन 66 से बच गया ये, क्योंकि 120 और 365 नहीं हुए, 15 लाख से ज्यादा था। अब ठहरो, आप देखो सेक्शन 61A पे चलो, क्योंकि ये क्या है, ये इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन है, 66 और 61 लगा नहीं, क्योंकि वो 63 देखना नहीं था और 182 वाला हुआ नहीं, फिर मैं 66 सेक्शन पे आया, 120 365 लगा, इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया था तो मैंने लगाया, वो लगा नहीं तो वो तो एप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर मैं 61 पे आया, इंडियन सिटीजन है, यस, इसकी इंडियन इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, यस, नॉट टैक्सेबल आउटसाइड इंडिया, इस पर कोई टैक्स इंडिया के बाहर लगा नहीं, किसी वजह से नहीं, तो आप इस पे 61A लगा देंगे और इसे क्या मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी 66 नहीं लगा इस इंडिविजुअल पे, कौन सा लग गया, 61A लग गया, 66 लग जाता तो भी NOR कहना था, फिर ये ना देखता 61A, अगर वो लग जाता, वो नहीं लगा तो 61A चेक हो गया, 15 लाख से ऊपर इनकम थी। POI होता ना, ये POI होता तो खेल बदल जाता, POI होता तो ये लगा नहीं, 66 61A देखते नहीं उसके लिए, फिर ये नॉन रेजिडेंट हो जाता। अब ये क्या है, सिटीजन, तो NOR हो गया, इसकी इनकम इंडिया वाली क्या होगी, इंडियन इनकम क्या होगी, इज टैक्सेबल, वो जो 16 लाख इंडिया में कमाए उस पे टैक्स, OR पे तो फॉरन वाली भी टैक्स हो जाती नेपाल की, ये टैक्सेबल नहीं होगी, इंडिया वाले 16 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। क्लियर, बोलो, 61A में फंस गया ये, NOR हो गया 61A के अकॉर्डिंग। कहता तब क्या होता, अगर वो नॉट विजिटेड इंडिया, कहता है वो इंडिया में आता ही नहीं। अब देखो मैं कहता हूं 105 दिन छोड़ो, यहां 0 डेज है, मैंने इसमें बी केस कर दिया, लो 182 नहीं, 63 नहीं, तो मैंने देखा कि भाई ये 15 लाख से ऊपर इनकम है, यस, क्या यहाँ पे 120 की हो रहा है, नो, तो 66 नॉट एप्लीकेबल। फिर मैंने 61A पे चला गया, क्योंकि 120 365 नहीं हुए, क्या ये इंडियन सिटीजन है, हाँ, क्या इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, यस, क्या इस इनकम पे टैक्स इंडिया के बाहर कहीं लगा है, नो, तो फिर 61A एप्लीकेबल हो गया, डेज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, डेज आर नॉट कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 61A, 61A में डेज नहीं देखे जाते, 120 365 तो 66 में देखे गए, वो नहीं लगा, 61A में आ गया, सारी शर्तें पूरी हैं, इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर इनकम है, उस इनकम पे टैक्स इंडिया के बाहर कहीं लगा नहीं, तो इसे NOR मानते हुए, और NOR बन गया तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाली 5 लाख भी टैक्सेबल, वो 11 पे तो हर किसी को टैक्स देना है, नॉन रेजिडेंट को भी देना होता है जो इंडिया की इनकम है, इंडिया में कमाई, लेकिन जो फॉरन में कमाई पर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो NOR उस पर भी देता है। तो ये लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट उसमें देखेंगे, तो ये 16 लाख रुपये क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, समझे। अब फिर क्वेश्चन बदल देता है, ये कहता है कि वो इंडिया में कितने दिन आया, सी केस, इंडिया में कितने दिन आया, 185 दिन आया, अगर वो 185 दिन आया तो 182 हुई नहीं, 63 देखनी नहीं, तो अब आप देखो इसकी 15 लाख से ऊपर इनकम है, यस, अब देखो क्या प्रीवियस ईयर में 120 और 365 हुआ, 185 तो हुआ, लेकिन ये 365 कहां हुआ, 182 से ज्यादा, हाँ एक बार ठहरो, 185 है ना, तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो पंगा ये हो गया कि 182 ही होगी, बेसिक वन नहीं होगी, बेसिक कंडीशन देखो, सी में क्या कहता है, 182 और मोर डेज,
क्या 182 या उससे ज्यादा दिन हो गए? हो गए। और जिसके 182 से या उससे ज्यादा हो जाए, या तो वो ओआर है या एनओआर है। फिर मुझे 66 की कोई जरूरत नहीं, ना 66 देखना ना 61A देखना, बेकार है। बेसिक फर्स्ट ही होगी, सेकंड पे जाना ही नहीं। यानी या तो ये ओआर है या एनओआर, पर इसके लिए मुझे डेटा चाहिए कि पिछले सालों में 730 दिन ये रहा कि नहीं रहा। पिछले सालों में 10 में से 2 साल एक बेसिक कर सकता है कि नहीं? मैं नहीं बता सकता दोनों में ओआर के एनओआर, क्योंकि डेटा नहीं है। हाँ, ये पक्का है या ओआर है या एनओआर, उसके बारे में डेटा नहीं, यहाँ पर डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन ये पक्का है 66 और 61A के पंगे से बच गया, वो करना नहीं, फंस गया, बच क्या गया, फंस गया। ये तो ओआर भी हो सकता है, क्या पता 7 साल में 730 भी हों और 10 में से 2 साल बेसिक भी हो। तो सी में तो 182 वाली ही पूरी हो गई, इसलिए वो क्या है, कोई कंसीडरेशन नहीं 66 या 61A का। डी केस में आ जाओ, डी सिचुएशन में, डी में कह रहा है 130 दिन इंडिया आया, लो 130 दिन, और कहता है कि 4 साल में कितने दिन? प्रीवियस 4 ईयर में 325 दिन इंडिया में रहा है। ओके, डी सिचुएशन में 182 वाली शर्त पूरी हुई, 182 वाली नहीं हुई। 60 और 365 लगानी नहीं, क्योंकि इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया है, वो लगानी नहीं। आप आओ 66 के लिए चलते हैं। क्या इनकम 15 लाख से ज्यादा है? हैं। क्या ये 120 और 365 कर सकता है? नो, 120 365 अब भी नहीं कर सकता, 120 कर सकता है लेकिन 325 है, तो 66 नॉट एप्लीकेबल। 66 में बच गया ये, उसमें तो ये एनओआर मीन नहीं बन रहा। लेकिन आप डी सिचुएशन के अंदर 61A लगाने जा रहे हैं, 61A लगाने से क्या होगा? 61A, क्या ये इंडियन सिटीजन? यस। 15 लाख से ऊपर इनकम? यस। इस इनकम पे फोर्ड में टैक्स नहीं, एनओआर लगा दो, डेज नॉट टू बी कंसीडर्ड, डेज से कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा 61A में एनओआर, और ये 16 लाख रुपए इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इसी क्वेश्चन का ई पार्ट देखो, ई पार्ट, ई पार्ट कहता है कि अगर यहां 132 दिन है और 4 साल में पीछे वालों में ये कितने दिन इंडिया में है? 380 दिन। लो, 380 दिन है यहाँ, 132 और 380। ओके, तो आप देखो 182 वाली हुई नहीं, नॉट टू बी चेक, 60-365 देखते नहीं, इंडियन सिटीजन विजिट्स टू इंडिया 60-365 देखते नहीं, और 182 हुई नहीं इसकी। ओके, तो ये एनआर बनना चाहिए? नहीं। ठहरो, 66 लगा के देखो, क्या 15 लाख से ऊपर इनकम है? हाँ है, साल की 15 लाख से ऊपर। क्या यहाँ पे 120-365? यस यस यस, हो गई। तो 6 के अंडर ये क्या हो गया? एनओआर, ये एप्लीकेबल हो गया। अगर ये एप्लीकेबल हो गया, जहां पे 61A नॉट एप्लीकेबल कर दो, जहां पे 66 लग जाए या 61 लग जाए वहां 6, क्योंकि बात है कि करना तो एनओआर है, दो बार एनओआर करके क्या करोगे? करना तो एनओआर, एनओआर हो गया, बस वो 66 में ही हो गया, तो 66 लग गया, वो क्या हो गया? एनओआर। एनओआर की इंडिया वाली पे लगता है, फॉरेन की भी जो इंडिया से कंट्रोल हो उस पर भी लगता है, इस तरह से। ये नेपाल वाली पे नहीं लगता, एनआर पे, एनओआर पे, इस तरह से। समझ आया क्वेश्चन नंबर 16? अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको 66 और 61A दोनों की प्रैक्टिस करवा देता है ये क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, पढ़ो। कहता है आप इलस्ट्रेशन 16 का डाटा लाओ और मोनू की इंडियन इनकम 8.5 लाख रुपए है 11 लाख की जगह। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है वो कि आप डाटा इलस्ट्रेशन 16 का डाटा यूज करो, डाटा कैन बी यूज्ड, वो डाटा यूज किया जा सकता है। इसकी इंडियन इनकम कितनी कह रहा है? इंडियन इनकम 8.5 लाख रुपए, और प्रोफेशन इन नेपाल, प्रोफेशन इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो प्रोफेशन नेपाल में है और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो वो कितना हो गया? 8.5 लाख रुपए में 5 वो हो गया, तो 13.5 लाख ही हुआ। तो इसका मतलब इंडियन इनकम कितनी है? इंडियन इनकम लेस देन 15 लाख है। तो इसका मतलब सिक्स सेक्शन 66 और सेक्शन 61A दोनों ही क्या हो गए? नॉट एप्लीकेबल। स्ट्रेट वे डिसाइड करो,
सिक्स में और सिक्स वन ए में 15 लाख से ऊपर इनकम हो तो स्कोप है एनओआर बनाने का, नॉट एप्लीकेबल। अब आप कंडीशन देखते जाओ, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ए कंडीशन क्या थी मोनू के रिगार्डिंग, वो कह रहा है मोनू करंट ईयर 2021 में कितने दिन रहा, 105 दिन, तो 182 लगी फर्स्ट बेसिक ना, सेकंड देखनी नहीं, सेकंड जो है नॉट टू बी चेक को, नॉट टू बी चेक 60 और 165, और 66 और 61 में जाना नहीं, 15 लाख से ऊपर इनकम नहीं, सीधा ही क्या कह दो मोनू को, नॉन रेजिडेंट। 17 में सीधा ही मोनू को क्या कह दो, नॉन रेजिडेंट, ओनली ओनली 8.5 लाख रुपए टैक्सेबल इन इंडिया होंगे, टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि फॉरेन की जो नेपाल की इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो एनओआर के लिए या ओआर के लिए टैक्सेबल होती, मोनू तो एनआर है, छोड़ दो, इसलिए 8.5 पे टैक्स लगेगा। बी सिचुएशन, 2021 में मोनू कितने दिन इंडिया में है, वही क्वेश्चन, जीरो डेज, तो 182 वाली सेकंड लगानी नहीं, नॉट चेक, सेकंड वाली नॉट चेक, तो ये मोनू क्या है, नॉन रेजिडेंट, और 8.5 लाख रुपए ही टैक्सेबल होंगे, आंसर विल रिमेन सेम। सी सिचुएशन खतरनाक है, वो जो 61A है जीरो डेज पे भी उठा के एनओआर कर देता है, कहता तू इंडियन सिटीजन है, इंडिया में 15 लाख से ऊपर इनकम है तेरी, फोर में टैक्स नहीं, चल उठाओ इसे डालो कहाँ, 61A में एनओआर मानो, एनओआर होने पे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले बिजनेस की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। चलो सी सिचुएशन में क्या कहता है, मोनू 2021 में कितने दिन आ गया, 185 दिन आ गया, तो इसके लिए फर्स्ट 182 डेज वाली कंडीशन पूरी होगी, एक ही बहुत है बेसिक, तो बेसिक दोनों चेक करके क्या करोगे, वैसे भी चेक करनी नहीं इसके लिए, और एक ही देख लो, पहली ना हो तो दूसरी देखते हैं, एडिशनल दोनों कर देगा, नो इन्फॉर्मेशन टू चेक बोथ एडिशनल, एडिशनल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पक्का है इस केस में मोनू या तो ओआर बनेगा या एनओआर बनेगा, इसको ओआर को आरओआर भी बोलते हैं, पर मैं बता नहीं सकता क्योंकि ना तो 730 दिन का डाटा है ना 10 में से 2 साल वाला डाटा है, मैं श्योरली नहीं, दोनों में से एक है। डी सिचुएशन, डी में वो 2021 में कितने दिन है, 130 एंड 4 ईयर प्रसिडिंग 4 ईयर में कितने दिन है इंडिया में, 325, तो भैया बेसिक 182 वाली हो रही है ना, दूसरे वाली चेक करूं मोनू के लिए, चेक ही नहीं कर दी, नॉट टू बी चेक, 60 और 365 जो है ना नॉट टू बी चेक्ड, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, एज इट इज एज ही इज इंडियन सिटीजन, उसके लिए चेक ही नहीं करनी, तो ये मोनू यहाँ पे सीधा ही क्या कह दो, नॉन रेजिडेंट, ओनली 850 टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि ये सीधा ही क्या है, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, एक्सेप्शन में 15 लाख से कम इनकम है, 6 और 61 देखने नहीं, सीधा नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो फिर जाने दो, ही शैल बी नॉन रेजिडेंट, ठीक है। 66 तो कहता है 120 और 365 लग जाए तो कर दो, और 61A वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो 66 जो है 15 लाख से ऊपर के केस में लगती है, 15 लाख से ऊपर है ही नहीं यहाँ पे, पहली बात, ठीक है, वो 66 नॉट एप्लीकेबल है, तो इसके डी में ही शैल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि 66 में 120 और 365 होते हैं, प्रीसीडिंग ईयर में वो देखने ही नहीं, क्योंकि चेक ही ना करो, नॉट टू बी चेक, क्योंकि दोनों के लिए क्या रूल है, इनकम 15 लाख का रूल है, दोनों के लिए ही नहीं चेक करनी आपने, यानी 66 और 61 ने दोनों नहीं देखने, वजह 15 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, छोड़ो। ई में 2021 में कितने दिन है, वो 2021 में है 132 दिन, एंड 4 ईयर में कितने हैं, 380 डेज, ठहरो, ये तो ठीक है 4 साल में, लेकिन आप ठहरो इसमें, यहाँ बात यह है कि 182 वाली नहीं हो रही, सेकंड 60, 365 चेक नहीं करनी, एक्सेप्शन में है, नॉट टू बी चेक, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, तो इसको नॉन रेजिडेंट ही कहना पड़ेगा, ओनली 850 ही टैक्सेबल होंगे, क्योंकि देखनी नहीं ना, क्यों देखूं, ये इंडियन सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट होगा ये, 61 के अकॉर्डिंग 182 ही देखनी है, 66 नॉट एप्लीकेबल है, 61 ने भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि इसकी इनकम 15 लाख से कम है।
समझ आया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। बस इसमें ना जो अमेंड था वो यही था, बाकी सब सिंपल है। एक आधा क्वेश्चन और कर देते हैं, मुश्किल नहीं है। 6-6 और 6-1 का पंगा और ऐड हुआ है। अगर किसी ने बीकॉम लेवल या किसी और लेवल में इसे किया है तो बाकी सब सिचुएशन सेम है, सिर्फ 6-6 और 6-1 की स्टोरी। पर वेरी फर्स्ट कंडीशन, वो 6-6 तो इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रॉड दोनों पे लगती है, लेकिन 6-1 सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगती है। दूसरी चीज, दोनों में वेरी फर्स्ट कंडीशन है 15 लाख से ऊपर इनकम हो। दोनों में फर्स्ट कंडीशन है कि 182 लगी तो दोनों का कोई काम नहीं, वो बंदा वैसे ही क्या है NOR या OR हो ही जाना है, ठीक है ना। वो ना लगे 182 फिर देखते हैं, ठीक है। 6-6 या 6-1 की कहानी क्या है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और देख लो इसी में। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 2 देखो फटाफट। मिस्टर शांता सूरज सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया शांता, क्लियर कह रहा है। मिस शांता, अच्छा मिस शांता सिटीजन ऑफ इंडिया है, CI है और एजुकेशन पर्पज के लिए जा रही है, लीव इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पज, एजुकेशन पर्पज के लिए जा रही है और इंडिया छोड़ के जा रही है। लीव इंडिया कब, इंडिया छोड़ा इसने 18 अप्रैल को, इंडिया छोड़ दिया, ओके 18 अप्रैल को इंडिया छोड़ दिया और नॉट रिटर्न टिल द एंड ऑफ द ईयर। उसकी इंडियन इनकम, इंडियन टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसकी इंडियन टैक्सेबल इनकम 5 लाख है। पहली लगाओ कंडीशन, बेसिक कंडीशन मिस शांता पे, एजुकेशन के लिए जा रही है ये, फर्स्ट 182 हुई नहीं। और ये इस साल कितने दिन है, 18 दिन ही तो इंडिया में है 2021 में, 365 लगा लेता क्योंकि एजुकेशन के लिए जा रही है, लेकिन 18 दिन ही तो इंडिया में है तो 365 लग नहीं रही, 60 और 365 जो है वो लग नहीं रही। 6-6 की बात करो, सेक्शन 6-6 और 6-1 दोनों ही नॉट एप्लीकेबल हैं, एस इंडियन इनकम ही क्या है, इंडियन इनकम ही लेस देन 15 लाख है, बेकार है। वैसे भी 6-6 लगनी नहीं थी, 6-6 तो कब लगती, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया विजिट्स टू इंडिया, ये तो उल्टा हो रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, वो तो उन लोगों के लिए लगती है जो इंडिया में आते हैं, फॉरेन में सेट है उनके लिए, तो वो तो वैसे ही नहीं लगनी थी किसी हाल पे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 6-1 कोई भी नॉन रेजिडेंट हो, सॉरी वो जो जिस पे बेसिक ना लगे, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नो बेसिक कंडीशन अप्लाइड, उस पे बेसिक ना लगी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडियन इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा हो जो फॉरेन में टैक्सेबल ना हो, 6-1 लग जाती, पर वो भी नहीं लगी क्योंकि इनकम 15 लाख से कम है। इसी क्वेश्चन में कहता है तब क्या होता अगर शांता की इनकम 18 लाख होती, बी सिचुएशन बी केस में कहता है इसकी इनकम ये 18 लाख होती तो क्या होता। तो आप देखो कि इसमें 6-6 तो लगनी नहीं क्योंकि 6-6 तो इंडिया में विजिट करता नॉन रेजिडेंट तो लगती है, चाहे इनकम 18 लाख हो, छोड़ो 6-6 तो नॉट एप्लीकेबल है, ये इंडिया में विजिट करता सिटीजन तो होती नहीं। अब मुझे चलना है 6-1 पे, क्या ये बेसिक लग रही है, इस पे 18 दिन में नहीं लग रही कोई बेसिक, क्या इनकम 15 लाख से ज्यादा है, क्या टैक्स इन अदर कंट्री है, टैक्स इन अदर कंट्री, क्या इस पे अदर किसी कंट्री में टैक्स लग रहा है, आंसर इज नो, टोटल इनकम 15 से ज्यादा। और ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो 6-1 की कंडीशन पूरी हो रही है तो इनको क्या मान लो, डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6-1A, इसे NOR का नाम दे दो क्योंकि 6-1A नंबर ऑफ डेज कंसीडर नहीं करता है, नंबर ऑफ डेज आर नॉट टू बी कंसीडर। 6-1 और 6-6 लगा नहीं तो 6-1 में स्कोप देखा वो लग गया, इस तरह से है, समझाइए, बोलो कोई भी डाउट। और देखो सेकंड सिचुएशन इलस्ट्रेशन 2 की ही, क्या कहता है, मिसिज कनिका पांडे USA चलेगी 10 अप्रैल 18 में, वो वहां रह रही है 18 से, पर उससे पहले 20 साल से इंडिया में है, यानी ये 17-18 में इंडिया के बाहर चलेगी, 18-19-19-20, लेकिन 2021 में कितने दिन इंडिया में, 2021 में ये 10 सितंबर 20 को इंडिया आ गई,
तो आप देखो 10 सितंबर को इंडिया आ गई, तो कितने दिन इंडिया में हैं? ये कनिका देखो, इलस्ट्रेशन टू की सेकंड सिचुएशन, इलस्ट्रेशन टू की सिचुएशन टू क्या, उससे पहले ये हमेशा क्या है 365 दिन इंडिया में है, यहां जीरो है, तो क्या 2021 में कम बैक टू इंडिया, कम बैक टू इंडिया कब आई है इंडिया में? ये आई इंडिया में 10 सितंबर 2020। लीव इंडिया कोई खबर नहीं, लीव इंडिया कब गई इंडिया छोड़ के? नहीं गई। तो इसका मतलब इन इंडिया कितने दिन हैं 2021 वाले साल में, बात करूं तो सितंबर के कितने दिन, 10 सितंबर को आई, 30 सितंबर में से 10 भी इंडिया में, 9 दिन छोड़ दो 21 दिन, 10 11 12 ऐसे गिन लो 21 दिन, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, जनवरी 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, कितने दिन इंडिया में हो गए इसके? दो साल तो बीच में इंडिया आई नहीं, और वैसे इंडिया में पैदा हुई, शुरू से इंडिया में रही, इसके तो दिन ही बड़े हो गए, 203 दिन हो गए। और यहां भी एक थोड़े से दिन इंडिया के बाहर है, यहां ये 17-18 में भी लास्ट में गई है, कब गई है 17-18 में, 10 मार्च को गई है, यानी कि 9 मार्च तक तो इंडिया ही थी, तो यहां भी ये 365 में से 9 ये 10 तारीख तक इंडिया थी, 21 दिन इंडिया में नहीं है, तो यानी कि लगभग 344 दिन यहां भी इंडिया में है। तो यहां कितने दिन है? 203 दिन। लगाओ बेसिक कंडीशन, लगाओ बेसिक कंडीशन 182 ही होगी इसकी, तो 182 डेज ही होगी, एडिशनल लगाओ, एडिशनल 7 साल में 730 इन 7 ईयर, बड़े आराम से 7 साल में 730 हुए, बड़े आराम से 10 में से 2 साल एनी बेसिक इन 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर बिल्कुल होगी, यस देख लो यहां होगी, यहां देखो यहां कई आराम से 8 साल कर देगी, 8 सालों में 182 ही कर देगी आराम से। तो एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाए तो ये कनिका क्या है इंडिया में, आरओआर कह लो या ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह लो, बड़े आराम से स्टेटस चेक कर सकते हो, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। दिक्कतें तो तब आती जब 182 ना लगे, तो एक्सेप्शन है नहीं है, 6661 ने देखें तब, जिसने 182 ही कर दी तो 66 और 61 ने साइलेंट हो गए, उनका खेल खत्म हो गया जब 182 हो जाए तो, क्योंकि वो तो पक्का ही एनओआर या ओआर बनेगा ही जिसके 182 हो जाए, तो उनका रोल ही नहीं है। ओके इलस्ट्रेशन टू का आप देखो थर्ड एग्जांपल, थर्ड केस क्या कहता है, मिस्टर पांडू सिटीजन ऑफ इंडिया है, पांडू जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, कह रहे ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं 15 मई 2020 को, लीव इंडिया, इंडिया कब छोड़ के जा रहे हैं ये 15 मई 2020, मतलब 2021 में ही इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और कहता है हायर स्टडी के लिए फॉर हायर एजुकेशन, चलो एम्प्लॉयमेंट वाले एक्सेप्शन में नहीं आए, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25 मई 2021, इसके बाद टिल द एंड ऑफ ईयर वापस नहीं आया, वो तो अगला साल आ गया, 15 मई 2021 को कम बैक हुआ है, कम बैक टू इंडिया, वो तो अगला साल आ गया ना, 15 मई 2021 तो कौन से साल में आ गया, 21-22 में आ गया, वो छोड़ो। तो इस साल कितने दिन है इन इंडिया, इस साल 2021 में कितने दिन इंडिया में है, अप्रैल के 30 और मई के 15 45 दिन इंडिया में है, उसके बाद आने की कोई खबर नहीं अगले साल आया, और उसका घर इंडिया में है, तो पांडू का की इनकम कोई भी इंडिया में नहीं है, तो आप मुझे चेक करके बताओ बेसिक कंडीशन पांडू पूरी कर रहा है क्या, 182 सेकंड भी नहीं, 60 और 365 भी नहीं हो रही, 60 ही दिन नहीं रह रहा, तो 120 365 इंडियन सिटीजन इंडिया में आता तो चेक करते, ये तो इंडिया के बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो पहले 61 ने भी देख लो, क्योंकि बेसिक कंडीशन नहीं लग रही, इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस, क्या इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, नहीं नहीं, 61 ने भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, तो इस बंदे को नॉन रेजिडेंट ही कह दो, एनआर कह दो ना, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये 61 ने में भी नहीं फंसा, क्योंकि उसके लिए इनकम 15 लाख से ज्यादा चाहिए थी, समझ आया, बोलो कोई डाउट, इस तरह से।
और देखो एक दो क्वेश्चन और करोगे ये सारी कंफ्यूजन जो है ना खत्म हो जाएगी क्वेश्चन से, कब 66 देखना है कब 61 ने देखना है। इलस्ट्रेशन 3 की बात करता हूं, देखना ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है। आर इंग्लैंड में पैदा हुआ 1967 में, कोई फायदा नहीं है, अनडिवाइडेड इंडिया तो 1947 से पहले वाला है। आर कहाँ पैदा हुआ मत देखो, फादर कनाडा में पैदा हुए थे 37 में, कोई फायदा नहीं है, वो डिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया नहीं था। आर के ग्रैंडफादर लाहौर में पैदा हुए, अच्छा आर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो अनडिवाइडेड इंडिया लाहौर जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर रहा कभी पंजाब का, पुराने टाइम में लाहौर जो है कैपिटल हुआ करती थी पंजाब की, चलो वो डिवाइड हो गया उधर चला गया। तो कहता है आर के ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए अनडिवाइडेड इंडिया में इन 1917 यानी कि 1947 से पहले। आर का स्टेटस बताओ, अगर आर 2021 में कितने दिन इंडिया में आया, 181 दिन इंडिया में आया है आर, 181 दिन इंडिया में आया है, और ये पहली बार आया है, इससे पहले ये बीच में 0000000 है। और इसकी इंडियन इनकम कितनी है, इसकी इंडियन इनकम 10 लाख है। पहली बात तो 66 और 61A तो देखना भी ना, दोनों नॉट एप्लीकेबल, इसकी और देखना भी ना। 66 तो वैसे ही नहीं काम करना, 120 और 365 नहीं बनते, वो तो वैसे ही नहीं बनता। 61A को तो डेज नहीं चाहिए, पर 61A लगाना नहीं क्योंकि इनकम 10 लाख से कम है। लगाओ इसकी बेसिक कंडीशन, इसकी बेसिक कंडीशन लगाई, 182 हुई नहीं। क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, हाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है। विजिट्स टू इंडिया, आजकल इंडिया में नहीं रहता, इंडिया में विजिट करता है, वो भी पहली बार आया है, फॉर्म में सेट है, तो विजिट्स टू इंडिया है। पूरा पाकिस्तानी इस कैटेगरी में आता है लगभग, क्योंकि किसी के दादा भी पैदा हुए होंगे रावलपिंडी में, पेशावर में, कराची में, वो भी तो इंडिया था। कहने का मतलब पूरे पाकिस्तान के लोग लगभग लगभग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन आ जाते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। तो इस पर 60-365 जो है चेक ही नहीं करनी, 60-365 नॉट टू बी चेक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, ठीक है, 182 हुई नहीं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ए का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ए का जो आंसर है वो NR रहेगा, नॉन रेजिडेंट रहेगा। बोलो कोई डाउट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, किसी ना किसी ने अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था, तो इस पे 60-365 की शर्त नहीं लगती। पर अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तो 120 और 365 की 66 लग सकती है, 66 लगी तो फिर क्या हो जाएगा, NOR। अगर उससे बच गया बट इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, 120-365 नहीं रह रहा, तो फिर क्या है, क्या इसको 61A लगाएंगे, नहीं। POI पे कभी भी 61A नेवर एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, इवन इंडियन इनकम क्या हो, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तब भी नहीं, साल की 15 से ज़्यादा होना तब भी नहीं लगानी 61A। 66, 120, 365 लगानी, 61A इस पर किसी हाल में लगना नहीं। वैसे दो दो चीज़ें नहीं लगी, 10 लाख भी नहीं पार हुए, 10 पार हो भी जाते तो भी नहीं देखना, इंडियन ओरिजन का आदमी है। नेक्स्ट बी, सपोज आर की इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ये इनकम ओवर 15 लाख है, तो ऐसा है 61A नॉट एप्लीकेबल। बी सिचुएशन पे बात कर रहा है, सिचुएशन भी बी सिचुएशन में तो 182 दिन रहा ना, 181 60-365 नॉट टू बी चेक, 61A तो पहले 66 देखो, क्या 66 एप्लीकेबल है, यस 66 एप्लीकेबल है बी सिचुएशन में, सेक्शन 66 एप्लीकेबल, मतलब तो इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा जो है, बट क्या 120 और 365 डेज हो रहे हैं क्या, करंट प्रीवियस ईयर में 120, चार साल में 365 नॉट अप्लाइड, ये अप्लाई नहीं हुए, तो बस इसे नॉन रेजिडेंट कह दो, आंसर क्या होगा बी का भी, नॉन रेजिडेंट। वजह एक 66 लग रहा है, 61A तो देखना भी नहीं। एक बच्चा कहता है सर 6 से बच गया ये, चलो कि 120 365 नहीं हुए, पर इनकम तो 15 लाख से ज्यादा है, 61A चेक कर लो, 61A नॉट एप्लीकेबल एज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
क्योंकि 6-1 ने सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगती है, नॉट ऑन पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे लगती ही नहीं। तो ये आदमी क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। सी सिचुएशन, अगर वो कहता है 181 दिन आया है, यहां पे सी सिचुएशन पे आ जाओ, सी 181 दिन आया है ये, और कहता है पिछले 5 साल में 100 दिन आया है, 100 दिन बस 100 दिन आया है, तो आप चेक करो क्या ये 182 हुई ना, ये देखने ही नहीं 365, क्या इनकम 15 लाख से ज्यादा है? सपोज इनकम 20 लाख है, कह रहा है 20 लाख, ये तो 6-1 ने तो देखने भी नहीं। सी सिचुएशन में आ गया हूं, सी में देखो 182 हुए नहीं, 365 इंडियन ओरिजिन का है, देखना नहीं सी सिचुएशन में, ठीक। तो 6-6 में आ गया, क्योंकि इनकम क्या है 15 लाख से ज्यादा है, कितनी है 20 लाख है, ठीक है। तो आप देखो 120 365 कर रहा है, हाँ कर रहा है, 400 दिन हो गए, यहाँ 400 डेज हो गए, 120 यहाँ, और 4 साल में 365, यस एप्लीकेबल, अप्लाइड कह दो, अप्लाइड। तो ये 6-6 की वजह से सी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? NOR, 6-6 की वजह से, सेक्शन 6-6 एप्लीकेबल, उस वजह से 6-1 ने तो देखना ही नहीं, तो ये 6-6 की वजह से क्या हो गया? ये NOR, समझ आया? उसी की प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपको। बोलो कोई भी डाउट, किसी को भी प्रॉब्लम इसमें? अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन के बाद, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, 6-6, 6-1 ने, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पर क्या करें, डिपार्टमेंट वाले चाहते ही नहीं कि कोई ईजी हो, वो कहता है लगे रहो बस, डिपार्टमेंट कहता है लगे रहो, आप करते रहो स्टडी, इस तरह से वो अपडेट करते रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना, इलस्ट्रेशन 5 क्या कहता है? मिस्टर भारत इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया, कब इंडिया छोड़ के गया और कब कम बैक टू इंडिया, कब इंडिया आया बताना मुझे, कब गया? वो पहली बार गया 31 मई 16 में, यानी ये किस साल में आ गया? 16-17 में, मई 16 में गया। फिर ये कहता है कम बैक 15 मई 19 में आया, यानी कि 19-20 के अंदर ये इंडिया आया। उसके बाद क्या कहता है? ही अगेन लीव 10 जून 20 में इंडिया फिर छोड़ गया, यानी कि 20-21 में। और फिर कब आ गया इंडिया? 14 जनवरी 21 में, यानी 20-21 में ये फिर इंडिया लास्ट में आ गया 14 जनवरी को। इसका स्टेटस बताओ, इंडियन सिटीजन है भारत, भारत क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। चलो डेज का हिसाब किताब बताओ, कब से गड़बड़ शुरू हुई जाने की? 16-17 से सिलसिला शुरू हुआ, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 बनाओ। 16-17 में 31 मई को इंडिया छोड़ के गया, तो इसका मतलब आया फिर कब? 2-3 साल बाद आया, मई 16, यानी कि 16-17 में इंडिया छोड़ा, अप्रैल के 30, मई के 61 दिन इंडिया में, 61 डेज इन इंडिया, कितने दिन? 61, 17-18 में 0, 18-19 में 0, कब आया? 19-20 में कब आया? 15 मई 19 को आया, गया फिर उसके बाद? नहीं, उसके बाद तो 20-21 में गया, तो 19-20 में कितने दिन इंडिया में? इन इंडिया, डेज इन इंडिया, कब आया इंडिया? 15 मई को इंडिया आया, उसके बाद 31 मार्च 20 तक गया ही नहीं, ये दिन इंडिया में है। तो आप ऐसा करो, या तो सीधा गिन लो, सीधा गिनोगे बड़ा टाइम लगेगा, मई के कितने दिन? 17, 31 माइनस 14 करके, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, जनवरी के 31, सॉरी दिसंबर, जनवरी 31, फरवरी के 28 और मार्च के क्या 31, ऐसे कर लो। या फिर आप ऐसे कर लो, दिन गिनने इंडिया में, इन इंडिया डेज गिनने आपने, डेज इन इंडिया 365 में से आप माइनस कर दो आउटसाइड इंडिया के डेज, आउटसाइड इंडिया के डेज कितने हैं वो माइनस कर दो, आउटसाइड इंडिया के 30 अप्रैल के हैं और मई के 14 दिन हैं, तो आप
44 दिन माइनस कर दो, 365 माइनस 44 321 दिन बनेंगे, चाहे आप ऐसे गिन लो 321 दिन बनेंगे। तो ये आदमी इंडिया में 321 दिन 1920 में रहा, 1920 में 321 दिन रहा। 2021 के भी बड़े ध्यान से दिन गिनने, दिनों का ही तो हिसाब है सारा। 2021 में देखो प्रीवियस ईयर 2021 में कितने दिन इंडिया में, डेज इन इंडिया कितने हैं 2021 में। 2021 में जून में गया तो अप्रैल में कहां था इंडिया, मई में कहां इंडिया, जून में कब चला गया 10 तारीख तो इंडिया था, फिर ये बीच में गैप हो गया। फिर जनवरी में आया, जनवरी में कितने दिन इंडिया में, जनवरी में 18, 31 माइनस 13 कर दो, 14 तारीख इंडिया में गिनी जाएगी। फरवरी के कितने 28, मार्च के कितने 31। तो अब देखो इस साल कितने दिन इंडिया में हैं, अप्रैल के, मई के और जून के 10 दिन, फिर चला गया इंडिया से। फिर जनवरी 14 को आया, 14 15 16 17 18 31 तक गिन लो, 18 दिन बनते हैं, 28 और 31 ये 148 दिन बनते हैं इंडिया में, 148 डेज। अब इसका स्टेटस देखना है, डेज का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया है, कितने दिन इसमें ये इंडिया के बाहर गया है, किस लिए गया है कुछ बोला नहीं, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि एक्सेप्शनल केस नहीं है। देखो इंडिया के बाहर अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है ये तो गिन लोगे, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो ये तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, बेसिक ही नहीं पूरी होगी इसकी, फिर तो ये नॉन रेजिडेंट, बेसिक ही नहीं होगी, 610 पे जाना पड़ेगा, इनकम का डाटा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसे इसके आंसर में जा रहा हूं, मैं मान रहा हूं स्पॉस ही लीव्स इंडिया फॉर अदर देन एम्प्लॉयमेंट पर्पज, लिखा नहीं है नौकरी के लिए गया है तो एक्सेप्शन में नहीं डाल रहा, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं गया ये मानते हुए, यानी दैट इज फॉर एजुकेशनल और अदर पर्पज, उस पर्पज के लिए गया ये मानते हुए, ज़ूम करते हुए। तो देखो बेसिक कंडीशन, देखो बेसिक कंडीशन इसकी 182 नहीं हुई, सेकंड 60 और 365 चेक करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो नहीं चेक करते, एजुकेशन के लिए गया ये मानते हुए। साल में 60 और 4 साल में 365 होगी, यस हो गई। अगर एक बेसिक होगी तो एडिशनल की ओर बढ़ो, और अगर एक बेसिक जिसकी हो जाए एडिशनल की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां 66 और 610 का रोल ही खत्म हो जाता है, 61 नहीं लग गया जब बेसिक ही होगी। अब 7 साल में क्या 730 वाली हो जाएगी, हो जाएगी आराम से, क्योंकि उससे पहले तो ये क्या था इंडिया में, इंडिया में ही था, पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, उससे पहले 7 साल में 730 आराम से, 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कर देगा आराम से, 182 कर देगा, यहां देखो यहां 182 वाली कर देगा, यहां 60 और 365 वाली कर देगा, बाकी क्या जरूरत है, यहां 182 वाली कर देगा, यहां 182 वाली, कोई भी 2 साल चाहिए आराम से कर देगा एक बेसिक कंडीशन। क्या बेसिक कंडीशन इन 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर आराम से कर देगा, तो ये बंदा ओआर है। एक बेसिक और दोनों एडिशनल कर दे तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पर एक अजम्पशन का स्कोप है कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया होता तो कहानी बदल जाती, फिर इस पे सेकंड बेसिक ना लगाते, फिर तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन, और ये विजिट्स टू इंडिया वाला 66 नहीं है, 61 ने जरूर देख लेता, पर उसके लिए मुझे इनकम चाहिए 15 लाख से ऊपर है या नहीं, वो कहानी। पर मैंने एजुकेशन मानते हुए इसे सिंपली सॉल्व किया, उस चक्कर से निकाल दिया। बोलो कोई भी डाउट। 6 में नेहा जॉब के लिए जा रही है इंडिया के बाहर 15 सितंबर को इंडिया छोड़ के, तो अप्रैल के 30 दिन 6 में, अप्रैल 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 30, सितंबर के कितने, सितंबर के 15। नेहा 168 डेज रह रही है 6 क्वेश्चन में, अप्रैल टू 15 सितंबर 168 दिन रह के इंडिया के बाहर जॉब के लिए चली गई। अगर ये जॉब के लिए इंडिया छोड़ गई नेहा तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगी ना 182, सेकंड देखनी नहीं, जॉब वाला एक्सेप्शन अलग है, ये 66 में तो आना नहीं इसने, क्यों, वो तो इंडिया में आए फॉरन के सेट हुए लोग तो लगता है। 61 ने क्या ये बेसिक नहीं लगी, ठीक है, क्या ये सिटीजन ऑफ इंडिया है ये भी देखना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं
तो फिर वो सिक्स बनने का रोल खत्म हो गया। अब ये बोला नहीं और ना ही इनकम दी हुई, तो बस सिंपल सोल्व कर दिया गया नॉन रेजिडेंट है। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, आज की डेट में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक, अगर मैं कह दूं स्पॉस हर इनकम इज इंडियन इनकम इज 6 लाख, फॉरन में, फॉरन में ही कमाएगी। अगर इंडियन इनकम इसकी मान लो चलो 12 लाख है, तो 15 लाख से कम है तो 6-1 ने नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, और 6-6 ये है ही नहीं उस केस में, विजिट्स टू इंडिया वाला वो नॉट एप्लीकेबल है ही है, तो दोनों नहीं लगेंगे। मान लो इसकी इनकम 12 लाख है जो इंडिया में कमाई, फॉरन की इंडियन इनकम फॉरन में चली गई, इंडियन सिटीजन है, तो 6-1 ने भी नहीं लगेगा। क्लियर, इस तरह से बोलो। 8th कर लोगे इसी तरह से, 9th आपको करना है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, 9th में देखना, 9th में कह रहा ऑस्ट्रेलियन नेशनल है तो इंडियन सिटीजन ही नहीं, और जो इंडियन सिटीजन ना हो तो उसके ऊपर 6-6 या 6-1 ने देखना ही नहीं, क्योंकि 9th क्वेश्चन में वो कह रहा ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, तो अपने को कोई फालतू टेंशन नहीं 6-6 या 6-1 ने देखने की जरूरत नहीं कि एनआर हो, क्यों, अपने पास यहां पे इंफॉर्मेशन ही कुछ ऐसे है। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इलस्ट्रेशन 9 में क्या, कि ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल, और अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस केस में फिर आप पे ना तो 6-6 लगे ना ही 6-1 लगे, या तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन ओरिजिन हो तो सोच लें। तो ये कह रहा है पहली बार कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन है, पहली बार इंडिया आ रहा है 15-16, तो 2021 में कितने दिन है ये, 2021 में 67 दिन सारे है, 2021 में 67 दिन है, ठीक है, और उससे पहले वाले 4 साल में कितने दिन है इंडिया में, 45, 65, 75 और 165, 4 साल के दिन देख लो कितने बनते हैं इसके, 45, 65, 75, 165, 350 बनते हैं। तो बेसिक कंडीशन लगाई हमने, बेसिक कंडीशन 182 नहीं लगी, 60 और 365 की अगर बात करें, यहाँ पे क्या 60 दिन और 4 साल में 365 हो गई, नहीं 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 350 है, ये भी नहीं हुई, तो नो बेसिक सेटिस्फाई, नो बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसको आप एनआर कह दोगे नॉन रेजिडेंट। बोलो कोई भी डाउट, क्लियर, तो आप करो और प्रैक्टिस करो इसके क्वेश्चंस, मैंने मेन आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बच्चा पैदा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा 25 जनवरी 2021 को अ चाइल्ड कह रहा टुक बर्थ इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ, तो भैया उसके दिन पैदा होने से पहले वाले नहीं देखने, 25 जनवरी से 31 मार्च के दिन देख लो बस 2021 बस, तो वो तो बहुत कम दिन है। जनवरी के कितने दिन होंगे, 7 जनवरी के होंगे, फरवरी के 28 होंगे, मार्च के 31 होंगे, तो 66 दिन सारे हैं, तो ये हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होगा बच्चा। कई बार वो बच्चे के पैदा होने के पहले दिन वाले दिन देख रहे हो, वो नहीं देखने, माँ के पेट वाले जो दिन हैं वो नहीं गिने करते, वो जन्मदिन तो उम्र तो बच्चा दुनिया में आता है तब से देखी जाती है ना, तो वो नहीं देखे जाते कि मदर इंडिया रहती थी तो माँ के पेट में रहा वो दिन भी जोड़ लो, ना 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 वो नहीं जोड़ते, प्री बॉर्न पीरियड नहीं जोड़ते इस तरह से। 13 हो जाएगा कैनेडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन ही नहीं, तो 6-1 का तो पंगा ही खत्म, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं दिखता तो 6-6 भी खत्म, स्ट्रेट रूल लगाओ, अगर 182 लग गया तो लग गया, वो वाली थ्योरी लगाओ बस इस पे, ठीक है, 60, 365 लगा लो, कोई लग जाए तो फिर देख लेंगे ओ आर या एन ओ आर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से मैंने इंडिविजुअल के स्टेटस के आपको क्वेश्चन करीब करीब सारे करवा दिए। अभी कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्लस हमें वो थोड़ा ही है कंपनी का स्टेटस, और वो आप कल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ये, ओके।